वो है लेक्चर नंबर तीन हमारे केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर का आज के लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे कुछ प्रैक्टिकल जो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगता है जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिजन केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह से होती है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में या फिर किस तरीके से एक एटम टूट के नया एटम बनाता है या फिर एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करती है ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे आज का लेक्चर अब ये समझिए कि एन एस एस केमिस्ट्री अबाउट टू एंड है कंक्लूड होने वाली है आज हम कुछ पढ़ रहे हैं दिट इज लाइक सेकेंड लास्ट टॉपिक फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस जहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसी तरह की अप्रोच हम लिखेंगे जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं किसी किसी एग्जाम में कि हाउ डू यू प्रेसिपिटेट दिस पर्टिकुलर आयन और हाउ डू यू डिसोल्व दिस पर्टिकुलर आयन तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे वहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं मैं देख पा रहा हूं कि अब धीरे धीरे आप लोग के जो बैकलॉग्स वाला इश्यू है वो खत्म हो जाएगा क्यों क्योंकि देखिए अब लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे मिड सितंबर के आसपास में और फिर आपके पास टाइम बचेगा ऑलमोस्ट 15 20 डेज का एट मिनिमम जब आप अपने जो लेक्चर्स छूटे हुए हैं उनको कर सकते हैं एक और दो लेक्चर में सोच रहा हूं कि मैं प्रैक्टिस लेक्चर्स लूं जहां पे मैं ट्राई करूं कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊं एंटायर केमिस्ट्री के जिसमें ऑर्गेनिक भी आएगी जिसके अंदर हमारी इनऑर्गेनिक भी आएगी जिसके अंदर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री भी आएगी तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग ढंग से क्लियर कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को अगर आप कमेंट बॉक्स में उनके जवाब धीरे धीरे सही सही देंगे और मुझे लगता है कि हाँ अभी इनको क्लास में करवाना चाहिए तो मैं क्लास करवाऊंगा हो सकता है कि एक लाइव क्लास भी ले ली जाए जहाँ पे आप लाइव क्लास में आके मेरे साथ में इंटरेक्ट करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों आज जो हमारा लास्ट कंक्लूसिव लेक्चर है इस केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर रिएक्शन का उसको हम लोग आज कंक्लूड करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग क्या खास पढ़ने वाले हैं पहली चीज तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ ओके उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके और यह सबसे फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन के लिए यहां से क्वेश्चन आएंगे अब उसका रीजन सुनिए मैंने आपको पहले भी एक चीज कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री को साथ में पढ़ाने का एक रीजन यह है कि ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमको ये मानना हमको ये प्रूवन है वैसे तो कि ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शंस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस तो हमको ये याद रखना है कि केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सीधा सीधा पूछ सकते हैं ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ चार क्वेश्चन यहाँ से दे सकता हूँ हाफ लाइफ के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यहाँ पे एवरेज लाइफ के क्वेश्चन आते हैं या फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी कॉन्स्टेंट है रेड कॉन्स्टेंट है उसको निकालना क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारे आते हैं बेटा तो उसके लिए हमको तैयार करना है लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिजन एंड फ्यूजन ये काफी इंटरेगिंग लगता है बच्चों को बिकॉज इसके अंदर हमको रियल लाइफ की चीजें देखने को मिलती है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या रोल होता है या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब में से कौन सा पावरफुल है थोड़ा बहुत उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो लाइन एज इट इज रखनी है बिकॉज ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है जब भी आप कंफ्यूजन में रहेंगे इस थ्योरी को पढ़ेंगे और इस थ्योरी के बेस पे आप अपने सारे क्वेश्चंस का क्लियरेंस कर सकते हैं तो सोडी फाइन एंड रसिल थ्री साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वेन एन एल्फा पार्टिकल कौन सा पार्टिकल बेटा एल्फा पार्टिकल इज लॉस्ट अलिमेंट विद न्यू अटोमिक नंबर लेस बाय टू एंड मास बाय फोर इज फोर्म्ड हमने पहले भी देखा है इसको बोलते हैं अल्फा डी बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट बनेगा सपोज करो ये एक एलिमेंट है इसने एक एल्फा को डिके कर दिया मतलब एक एल्फा कम हो गया इसके अंदर से एल्फा का मतलब क्या होता है एल्फा का मतलब सिंपल सा है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यानी कि वहां पे एटॉमिक नंबर तो दो से कम हो जाएगा और मास नंबर चार से कम हो जाएगा ठीक है यही उन्होंने ऑब्जर्व किया जब बीटा पार्टिकल लॉस हुआ तो उस टाइम पर उन्होंने क्या देखा कि न्यू एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर बाय वन इज ऑप्टेन बीटा पार्टिकल्स का चार्ज कैसा है बेटा नेगेटिव है तो जब हम उसमें से एक पार्टिकल कम करेंगे या एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे बीटा पार्टिकल वही तो हुआ तो मास तो चेंज नहीं हुआ ना बेटा मास ऑलमोस्ट सेम रहा लेकिन क्या हुआ उसका मास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब अगर ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक प्रोटोन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया ना कि अगर नेगेटिव चार्ज कम हुआ हुआ थोड़ा सा प्रोटोन तो बढ़ गया ना इसलिए वहां क्या हुआ बेटा कि एक नया एलिमेंट बना जिसका मास नंबर तो सेम था ऑलमोस्ट लेकिन उसका एटोमिक नंबर चेंज हो गया ठीक है द एलिमेंट इमिटिंग एल्फा और बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है बेटा जो हमको याद रखनी है

और जो नया एलिमेंट बना किसी भी तरह का डिके इसको बोलेंगे डीके मतलब उसमें से कुछ कम हो रहा है उसमें से कुछ खत्म हो रहा है तो डीके बोल दिया गया उसको तो यहां पे अगर एल्फा डीके हो रहा है या बीटा डीके हो रहा है तो उससे जो नया पार्टिकल या एलिमेंट बन के आता है उसे बोला जाएगा हमारे हिसाब से डॉटर एलिमेंट ठीक है बेटा दिस

बाय टू पोजिशन टू द लेफ्ट ये मेरी पीरियोडिक टेबल है ऐसे बनती है ठीक है ये लेफ्ट है ये राइट है एक एल्फा पार्टिकल निकला तो मास नंबर बढ़ गया लेकिन अटोमिक नंबर तो पीछे चला गया ना बेटा ठीक है तो जब जब एल्फा पार्टिकल इमिशन होगा वहां पे क्या होगा नया डॉटर एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ और जब बीटा इमिशन होगा डॉटर एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा राइट की तरफ आपको पता लग रहा है वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एल्फा डिस्प्लेस एल्फा डीके में क्या हो रहा है बीटा डीके में क्या हो रहा है हम लोग वही यूज कर रहे हैं यहां पे ठीक है बेटा तो आगे चलते हैं व्हेन अ पॉजिट्रॉन इज इमिटेड पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डॉटर एलिमेंट ऑक्यूपाइज इट्स पोरिशन वन ग्रुप टू दिकॉज पॉजिटिव पार्टिकल निकल गया मतलब भी कम हो गया उसका, अब इस चीज को बोला गया है ग्रुप डिसमेंट लॉ जो एक्चुअली में कहा अप्लाई होता है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये इसको याद रखना है ठीक है इसको याद रखना है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये द ग्रुप डिस्प्ले डिसमेंट लॉ शुड बी अप्लाइड विद्रेट केयर स्पेशली इन द एलिमेंट्स एट चल रहा है ठीक है, है यह हमको याद रखना है ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो यहां पर केयरफुली अप्लाई करना है अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं टू डिमाइन द नंबर ऑफ एल्फाइन बीटा पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर ये याद रखो देखो बेटा अभी तक तो ऐसा हुआ है कि हार्डली क्वेश्चन आया है एनएसई जेएस में यहां से एक या दो क्वेश्चन आए हैं सिर्फ अभी तक लास्ट के फिफ्टीन इयर्स में लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि अब जब सपोज करो आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप पढ़ रहे हैं अच्छा है वैसे तो ट्वेल्थ का टॉपिक है ये पर आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है ये ठीक है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ये बेसिक चीज तो समझेंगे जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का भी डीके हो रहा है बीटा पार्टिकल का भी डीके हो रहा है तो आप एक थ्योरिटिकल वे में तो बोल सकते हो कि सर अल्फा पार्टिकल डीके के, के, के केस में क्या होगा कि वो दो से उसका तो मास उसका एलिमेंट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर चार सौ डिक्रीज हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले भैया कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में जब एक

ठीक है दिख रहा है आप सभी को वो बन रहा है वाई के अंदर जाकर इसका एटोमिक नंबर है डी और मास नंबर है बी यहां से एक्स तो निकले हैं हमारे ये और वाई निकले हैं हमारे ये समझ में आ गया स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स नहीं है स्मॉल एक्स है तो यहां से हम क्या सिंपल सिंपल ये बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ए की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस फोर एक्स ए की वैल्यू मतलब एटोमिक मास नंबर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मास नंबर ऑफ वाई प्लस टोटल मास ऑफ एल्फा पार्टिकल्स तो ये तो लिखा है यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी प्लस फोर एक्स तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना निकाल सकते एक्स मतलब ये जो स्मॉल एक्स एस की वैल्यू निकलेगी निकलेगी वो हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए माइनस बी बाई फोर मतलब कि मास ऑफ योर पेरेंट एलिमेंट माइनस मास ऑफ योर डॉटर एलिमेंट डिवाइड बाय फोर सिमिलरली अगर आपको बात करना है कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पे ये यह देखो C इक्वल्स टू डी प्लस टू यही तो रखा है डी प्लस टू एक्स माइनस वाई देखो T मतलब टोटल एटॉमिक नंबर यहां पे जो जितना है वो है यहां पे C यहां पे कितना हो जाएगा D तो है इसका टू इंटू एक्स माइनस वन वाई यहां से निकल के आ गया इतना ही इजी है बेटा फिर इसकी वैल्यूज को फर्दर पुट करोगे तो आपको सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से और फिर उससे वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से ये है आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो और ये एक सीरीज को यूज करता है देखो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ इन शॉर्ट क्या है कि यहाँ की जो रिएक्शन है ये या, ये एक और लो को फॉलो करती है टोटल कंजर्व्ड चार्ज रहेगा इसके अंदर या फिर आप बोल सकते हो चार्ज कंजर्वेशन क्या बोल सकते हो बेटा इसको चार्ज कंजर्वेशन कि जितना चार्ज या जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितने प्रोटॉन ऐसा कुछ भी बोल लो जितना चार्ज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे था उतना ही चार्ज रहेगा राइट हैंड साइड पे ये नियम याद रखेंगे बेटा इस नियम के आगे नहीं जा सकती ये रिएक्शन मास वाला पता कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है यहां पे हम ये भी देख सकते हैं ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी अप्लाई हो सकता है कि जितना भी मास यहाँ पे डिके हुआ किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर मींस ई प्रोपोर्शनल टू एम रहेगा यहाँ पे इफ सी इज कॉन्स्टेंट ठीक है आगे चलते हैं आगे चला जाए और अब मिलिए आप रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन सीरीज में सब कनेक्टेड है ये हर चीज कनेक्टेड है द फिनोमिना ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कंटिन्यू स्टिल स्टेबल न्यूक्लियर आर फॉर्मड ठीक है ये ऐसा नहीं है कि हमने ये चेन रिएक्शन स्टार्ट किया हमने रिएक्शन स्टार्ट की ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल था इसको इसने डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट किया तो ये यहीं पे रुक जाएगा नो no, ये तब तक कंटिन्यूस चलेगा तब तक अल्टीमेटली ये स्टेबल नहीं हो जाता और ये मैं बोल नहीं सकता ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपको बोल देगा बेटा ये एक्स एलिमेंट है यहीं पे स्टेबल है नहीं वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि एट विच एलिमेंट कॉन्फिग्रेशन इट बी स्टेबल ओके लाइक जैसे यूरेनियम में थोरियम में भी टूटता है थोडियम भी अपना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखता है मतलब एक आइसोटोप रखता है आई होप यू आर अवेयर अबाउट आइसोटोप्स आइसोटोन्स आइसोडायफर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज

अगर आप बीटा पार्टिकल्स की बात करोगे तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है द मास नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन विल फिट इन टू वन ऑफ द फॉर्मूला देखो सबसे पहले क्या होगा कि वो फोर एन से कम हुआ फिर एक और नया पार्टिकल निकला तो फोर एन प्लस वन हो जाएगा फिर एक और नया पार्टिकल निकला तो फोर एन प्लस टू हो जाएगा फिर फोर एन प्लस थ्री हो जाएगा ठीक है तो यहां पे अगर हम देखें कि किसी भी तरीके से क्या वेरिएशन हो सकता है वापस पढ़ते हैं हेंस मास नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सीरीज विल फिट इनटू वन ऑफ द फॉर्मूला या तो जो मास नंबर चेंज हो रहे हैं एक सीरीज चली है ये एक ये दो ये तीन ये हो गया या तो इनका डिफरेंस कितना आएगा फोर एन आएगा या कितना आ जाएगा बेटा फोर एन प्लस वन या फिर फोर एन प्लस टू और लास्ट में क्या हो सकता है फोर एन प्लस थ्री क्यों बिकॉज ये सब किसके मल्टीपल चल रहे हैं ये सब चल रहे हैं एल्फा पार्टिकल के मल्टीपल आई बात समझ में इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन सीरीज कुछ एग्जाम्पल इसके देखने को मिलेंगे हमको जैसे कि ये देखो अच्छा ये हमको याद भी रखना है मतलब ऐसा तो नहीं कि आज ही आ तो जाएंगे बेटा बट ये हमको याद रखना है ठीक है जैसे एक सीरीज है नेम ऑफ द सीरीज क्या है थोरियम सीरीज एक सीरीज क्या है नेपचूनियम सीरीज एक यूरेनियम सीरीज सबसे अच्छी तो यही है खेर एक एक्टीनियम सीरीज देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ यहां पे यूरेनियम था जिसकी हाफ लाइफ मीजर की हुई है मतलब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि ये जो एक एलिमेंट है ये एक एटम पे लेके चलते हैं हम लोग ठीक है अभी थोड़ा सा सब मिक्सअप चल रहा है इसको क्लियर करते हैं हाफ लाइफ का मतलब क्या रहेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कि एक एटम लिया इसको 50 परसेंट खत्म होने में मतलब इस एटम से 50 परसेंट खत्म होने में जो टाइम लगेगा या 50 परसेंट रिमेनिंग रहने में जो टाइम लगेगा इस टाइम को बोला जाता है हाफ लाइफ ये हाफ हुआ नहीं हुआ तो इस टाइम को क्या बोला गया बेटा हाफ लाइफ तो यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है ये देखो ठीक है उसके बाद में इस सीरीज को क्या बोला गया यूरेनियम सीरीज ये क्या फॉलो करती है ये कौन सी डिस इंटीग्रेशन को फॉलो करती है फोर एन प्लस टू हालांकि मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में जा रहा हूं इतना पूछेंगे नहीं तो जब यूरेनियम का डिस इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है तो ये जब अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स का डिके करता है तो अल्टीमेटली यह क्या बनाएगा लेड पी टू जीरो सिक्स बनाएगा ये क्या बनाएगा पीबी टू जीरो सिक्स अब देखो एक बार टू थर्टी एट माइनस टू जीरो सिक्स डिवाइड बाय फोर किया जाए कितना आएगा थर्टी टू बाई फोर यानी कि एट एल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे एट एल्फा पार्टिकल्स निकल गए समझ में आ गई ये चीज तो पार्टिकल्स कितने निकलेंगे एट एल्फा पार्टिकल्स सीधा क्वेश्चन पूछेगा वो कि एक सीरीज चली थी स्टार्टिंग विद यूरेनियम एंडेड ऑन लेड बताओ इसके अंदर कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे अब आपको करना क्या है कुछ नहीं करना है आपको बस ये देखना है इसका मास माइनस ये वाला मास डिवाइड बाय फोर एल्फा पार्टिकल्स का नंबर निकल के आ जाएगा इसी तरीके से आप उसमें लिखेंगे c इक्वल्स टू डी प्लस वन इंटू वाई माइनस माइनस वन इंटू वाई प्लस टू एक्स यहां से आप उसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे y की वैल्यू निकलते क्या निकल के आ जाएगा बीटा पार्टिकल ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ठीक है हाँ मानता हूं ये चीजें समझ में नहीं आएगी अभी फिलहाल हमें डीप में जाना भी नहीं है लेकिन अगर ये सीरीज कहीं पे आप प्रॉपर लिख के देखोगे अभी जैसे मैं दिखाऊंगा मैं ट्राई करता हूँ दिखाने की तो उस जगह पे आपको मिल जाएगा कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग ये किस तरीके को फॉलो कर रहा है यहां पे चले आगे चलो बेटा आगे चलते हैं अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर फोर्सेस की थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही बेस्ट टॉपिक्स हैं इनके बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एन अर्लियर हाइपोथेसिस द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज बींग कंपोज ऑफ टू बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये हमारी अर्लियर थियोरी है ओके फाइन ठीक है इनको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कंबाइंडली इनको हम लोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियंस क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियंस समझ में आ गई ये चीज ठीक है आगे चलें अब इनकी फोर्सेस के बारे में बात की जाए तो इन फोर्सेस जो फोर्सेस न्यूक्लियंस को बांध के रखती है फोर्सेस जो न्यूक्लियंस को बांध के रखती है उनको बोला जाता है अट्रैक्टिव फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहाँ पे होगी नहीं या आप बोल सकते हो इंटर पार्टिकल फोर्स ठीक है और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगी इनसाइड द न्यूक्लियस इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ है इनसाइड द न्यूक्लियर न्यूक्लियस और इनका जैसा नाम से भी दिख रहा है कि इनको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस क्या बोल सकते हैं इनको न्यूक्लियर फोर्सेस ठीक है अब न्यूक्लियर फोर्सेस की एक खास बात है बेटा कि ये कहाँ काम करती है ये काम करती है फर्मी लेवल पे कहां पे काम करती है ये फर्मी लेवल पे फर्मी लेवल कितना होता है फर्मी लेवल का सिंपल सा एक याद रखो 10 पावर माइनस फिफ्टीन साइज ऑफ न्यूक्लियस का ही लेवल फर्मी लेवल बोला जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियस याद रखो साइज ऑफ न्यूक्लियस का लेवल ही क्या कहलाएगा फर्मी लेवल 10 पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो उस लेवल पे क्या काम करती है हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस काम करती है एंड यहां पे जब जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा हो गया माइनस फिफ्टीन थी भयंकर मजा आ रहा था इतनी तगड़ी न्यूक्लियर फोर्स लग रही थी कि अरे वाह मोदी जी बट जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाई माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन तक गए वो काम करना बंद कर देगी और न्यूक्लियर फोर्स कितनी हो जाएगी जीरो शून्य ठीक है अब इसीलिए इनको क्या बोला गया है इनको बोला गया है शॉर्ट रेंज फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्मॉल रेंज फोर्सेस इनकी रेंज इनकी रेंज बहुत ही शॉर्ट है ठीक है अब समझो एक बात और बेटा कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स की तो क्या वो शॉर्ट रेंज फोर्स है क्या नहीं वो तो दो न्यूक्लियस के बीच में लग जाती है वो तो दो एटम्स के बीच में लग जाती है तो उसको शॉर्ट रेंज फोर्स तो नहीं बोल सकते लेकिन न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग शॉर्ट रेंज फोर्स बोलेंगे अब मान लो किसी टीचर ने किसी बच्चे ने आपसे बोल लिया चलो बताओ कि न्यूक्लियर फोर्स को शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों बोलते हैं तो सिंपल सा आंसर है कि सर ये वर्क करती है फर्मी लेवल पे जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे ये जीरो हो जाएगी ये वर्क करती है बिटवीन न्यूक्लियंस या इनसाइड द न्यूक्लियस इसीलिए क्या बोला गया इसको न्यूक्लियर फोर्स बोला गया ठीक है बेटा आगे चले तो अब आगे चलते हैं ठीक है अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जो मेरी बात को काटते हुए भी दिख रही मैंने देखो पढ़ा अभी जस्ट यहां पे ठीक है दीज आर रिफर्ड शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस अब देखो न्यूक्लियर फोर्सेस आर नियरली टेन पावर ट्वेंटी वन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स और मैं क्या कह रहा था कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि न्यूक्लियर फोर्सेस तो कमजोर हैं और पावरफुल कौन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो समझो ध्यान से पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोटी रेंज की नहीं है स्मॉल रेंज नहीं है ठीक है अब हम जब बात करेंगे फर्मी लेवल पे किस लेवल पे बात करेंगे फर्मी लेवल पे तो वहां पर मोर पावरफुल कौन रहेगा न्यूक्लियर फोर्स बिकॉज वो बनी उस लेवल के लिए ठीक है तो ये जो लिखा हुआ है टेन पावर ट्वेंटी वन इतनी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रेंथ कहां है फर्मी लेवल पे ठीक है इतनी स्ट्रेंथ कहां है परमी लेवल पे इसके अलावा यहां पे स्ट्रेंथ नहीं है ठीक है चलो आगे अब हम बात करें कुछ और सब अटोमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली में कह सकते हैं कि, कि किसी एटम के अंदर होंगे हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे कि सिर्फ एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जो न्यूक्लियंस कहलाते हैं पर एक साइंटिस्ट हुए युकावा जिन्होंने एक पोस्टुलेट रखा दैट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी रैपिड एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स न्यूक्लियर पार्टिकल्स का जो एक्सचेंज होता रहता है मतलब इन दोनों के बीच में क्या है एक एग्रीमेंट चल रहा है कि कुछ पार्टिकल्स आप मुझे दो कुछ पार्टिकल्स मैं आपको देता हूं उन पार्टिकल्स की वजह से ये टुगेदर हैं और उन पार्टिकल्स को बोला गया था पाई मेसोन्स क्या बोला गया पाई मैसोन्स ठीक है ठीक है अब पाई मैसोन क्या है कि पाई एसोन्स है मास इक्वल टू टाइम्स ऑफ द मास ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास कितना है टू सेवेंटी फाइव टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज तीन तरीके का हो सकता है प्लस वन जीरो एंड माइनस वन ठीक है यानी कि इनको बोल सकते हैं प्लस पाई माइनस जीरो पाई माइनस पाई ठीक है इस एक्सचेंज की वजह से ही न्यूक्लियस न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग रहता है ठीक है द न्यूक्लियर फोर्स विच इज यूज इन रेपिड एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन बिटवीन न्यूक्लियंस आर कॉल्ड एज एक्सचेंज फोर्सेज इस न्यूक्लियर फोर्स को क्या बोला गया एक्सचेंज फोर्स क्या बोला गया बेटा एक्सचेंज फोर्स द बाइंडिंग फोर्सेज बिटवीन अनलाइक न्यूक्लियंस जिसके पास जिसके न्यूक्लियंस सेम नहीं है मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन सेम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनका मैसोन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियन के बारे में बाइंडिंग के बारे में उसकी स्टडी करनी है कि उसको बाइंड कैसे किया गया तो उसके लिए आपको क्या एक्सचेंज समझना पड़ेगा मैसोन्स का एक्सचेंज समझना पड़ेगा आपको कि मैसोन्स वहां पर किस तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियन है उसमें से एक न्यूक्लियन था पी वन प्लस एन वन इसमें से हमने पी वन की बात की ठीक है पी वन जब मतलब प्रोटोन वन जब न्यूट्रॉन टू के साथ में कंबाइन हो रहा है तो वो कैसे कंबाइन हो रहा है एक्सचेंज कैसे हो रहा है वहां पे देखो दिख रहा है आपको सभी को न्यूट्रॉन वन के पास में एक पाई मेसोन घुमा और न्यूट्रॉन उसमें टूड हुआ तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा इसका एक्सचेंज किसके साथ में हो जाएगा फिर एन वन पी टू के साथ में हो जाएगा दो लिए ना हम लोगों ने न्यूक्लियंस एक तो P1 वन प्लस एन लिया और एक P2 टू प्लस एन लिया अब इनको बाइंड करके रखना है बेटा

इतना डिटेल में समझ में नहीं आया तब भी बस यहां तक याद रखो कि एक्सचेंज के लिए कौन इंपॉर्टेंट यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करता है अपनी वो है मैसोन्स बिकॉज उन्हीं की वजह से ये एक्सचेंज हो पाता है उन्हीं की वजह से न्यूक्लियंस को बांध के रखा जाता है अगला टॉपिक जो हम लोग अब इसमें देखते हैं वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये भी बहुत ईजी है ठीक है ये भी बहुत ईजी है न्यूक्लाइड्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ठीक है, न्यूक्लाइड्स मतलब बताओ कमेंट बॉक्स में इसका मतलब क्या होगा ठीक है स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे यहां कैटेगरी कैटेगरीवाइज किया गया है तो इनको कैसे देख सकते हैं हम लोग कोई भी एलिमेंट लिया जाए कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाए वो किस तरह से बिहेव करेगा उसके सिर्फ दो कैटेगरीज हो सकती है इधर इट इज वेरी स्टेबल और इधर इट इज अनस्टेबल ठीक है तो यहां पे द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज बेस्ड अपॉन द द फैक्ट दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑल नोन आइसोटोप्स इज ऑलवेज लेस देन फ्रॉम द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपने एक एवरेज एटॉमिक मास लिया या आपने सभी आइसोटोप्स का मास देखा ऑब्जर्व किया तो वो जो मास है बेटा वो हमेशा प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन के सम से कम रहेगा ठीक है वापस पढ़ लो वापस पढ़ो इस लाइन को दफेक्ट ऑब्जर्व अटोमिक मास ऑफ ऑल नॉन आइसोटोप विल बी ऑलवेज लेस फ्रॉम द सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट ठीक है समझ में आ गया अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोला जा रहा है बीटा पार्टिकल From अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मे बी रिगार्डेड एज from फ्रॉम अ न्यूट्रॉन इन द way. वे आप ये देखो कि किसी न्यूट्रॉन से क्या निकाल दिया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल दिए वैसे अगर हम थोड़ा सा नोविस लेवल पे बात करें तो सही भी लगती है चीज कि हाँ न्यूट्रॉन का मतलब जीरो होता है मतलब क्या होगा एक प्लस वन लिया गया और एक माइनस वन लिया गया तो माइनस वन क्या है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सबसे बेसिक थियोरी है ठीक है अब यहां पे हम लोग बात करेंगे फोटो की जो आपने देखा होगा कि फोटो क्या होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर also. तो कब प्रोड्यूस होते हैं जब इंटरनल स्ट्रेस लग रहा होता इन साइड द न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियस के अंदर इंटरनल स्ट्रेस लगा हुआ है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे फोटो याद रखनी है चीज कि जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इंटरनल स्ट्रेस लग रहा है तो वहां पे एनर्जी पैकेट्स का एक्सचेंज होगा एनर्जी पैकेट्स का प्रोडक्शन होगा उनको बोला गया है ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं वो जिससे की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं पहली चीज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट ठीक है इसका मतलब क्या है ये देखा गया बहुत सी बार इसको ऑब्जर्व किया गया यहां पे हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं बेटा तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स का डिफिशियंसी होती है ठीक है उसके अंदर इसके अलावा देखो कि कि किसी भी का आप आप ठीक है अब ध्यान रखना कि आपने बोला कि ऑक्सीजन का मास कितना है 16. पॉइंट समथिंग है वो तो सबको पता है लेकिन उसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर तो 16 ही है ना तो डिफरेंट कैसे आया समझ में आया यहाँ पे मास का जो एक्चुअल अमाउंट क्वांटिटी है वो मास नंबर से डिफरेंट होती है मास नंबर क्या होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होता है तो इसको बोला गया है मास डिफेक्ट वो क्या बोलेंगे टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस ऑब्जर्व एटोमिक मास जो भी टोटल मास था न्यूक्लियंस का पी प्लस एन का अरे एक बात बताइए तो सही आप मुझे कि क्या किसी भी एटम का मास न्यूक्लियंस से ज्यादा हो सकता है हो तो सकता है बट हम क्या मानते हैं कि न्यूक्लियंस का मास सबसे ज्यादा है मतलब पूरा मास सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी न्यूक्लियंस की अगर कंपेयर करोगे ए और बी और बी क्या है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी ए से ए क्या है एटॉमिक मास ठीक माइनसर्वड एटोमिक मास ठीक है बेटा इसको बोला जाएगा आपका मास डिफेक्ट ठीक आगे चले आगे देखते हैं बेटा तो जो मास डिफेक्ट आया है इसको फर्दर किस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं मास डिफेक्ट को ठीक है अब मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि द एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी जो एनर्जी इस मास डिफेक्ट से निकल के आती है इसको कन्वर्ट जिसमें किया जाता है उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब भी हमको न्यूक्लियस को ब्रेक करना है किसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन के अंदर बाइंडिंग so, एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी मास डिफेक्ट इनटू नाइन थ्री वन मिली इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर माइनस हो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के आ चुका है यहां से? 931 यहां से बन चुका, हमको याद रखना है कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर देंगे द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सप्लेन ऑन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब एक न्यूक्लियोन के हिसाब से क्या बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ रही है उसको ही हम लोग यहां पे स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना कि ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है ये ये किसके लिए है आयरन के लिए मतलब आयरन के की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है मतलब काफी अच्छा स्टेबल रहेगा वो द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन बी इनक्रीज इधर बाय फ्यूजन या फिर फ्यूजन ठीक है दो वर्ड्स याद रखने हैं फ्यूजन से भी इंक्रीज कर सकते हैं और फ्यूजन से भी इंक्रीज कर सकते हैं याद रखें है कि वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी प्रिडिक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एसोटॉप्स किसी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग है मतलब अच्छी वैल्यूज पे वो कैलकुलेट हुई है तो याद रखना कि उसके आइसोटोप्स अच्छे स्टेबल रहेंगे ठीक है एलिमेंट मतलब अच्छा को स्टेबल नहीं बोल सकते जब हमारी बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में आ रही है ठीक है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रोडिक्ट बाय द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर इच सक्सेन ऑफ न्यूट्रॉन टू द न्यूक्लियस जब भी एक नया न्यूक्लियस जोड़ेगा हम उसका बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और हम ये पता लगा सकते हैं कि यह आइसोटॉप पिछले वाले आइसोटॉप से ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है ठीक है अगर मैं आपको बताऊं यह C12 है और यह C14 है यह रेडियो एक्टिव है यह रेडियो एक्टिव नहीं है ये नहीं है ये है अब बताओ इनमें से किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है ठीक है इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है 2He4 की बाइंडिंग एनर्जी है इतनी और 2He5 की बाइंडिंग एनर्जी माइनस पॉइंट मतलब ये तो चांस ही नहीं है भैया कि आपको दिखेगा ठीक है पैकिंग फ्रैक्शन द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल आइसोटोपिक हम लोग क्या बात कर रहे हैं इन केस यू फोगॉट हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं पहला हम लोगों ने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में वहां पे यानी कि मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ा पहले तो फिर उसको कन्वर्ट किया 931 थ्री वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाइंडिंग एनर्जी में और अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन की तो द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल आइसोटोपिक मास एंड द मास नंबर इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज पैकिंग फ्रैक्शन क्या बनेगा एक्चुअल आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर फॉर्मूला याद रखो एक्चुअल आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर इसको बोला जाए इनटू 10 पावर फोर इसको बोला जाएगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन ठीक है अब इसका क्या यूज करना है उसको भी समझ लेते हैं द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैनर ऑफ पैकेजिंग किस तरह से वहां पर न्यूक्लियंस की पैकिंग हुई है किसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ठीक है इफ द वैल्यू नेगेटिव इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव इफ द वैल्यू इज जीरो तो उस जगह पर क्या क्या हो सकता है उसको समझते हैं ठीक है अ नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन जनरली इंडिकेट्स स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि देखो हुँ, हुँ, हुँ. एक चीज समझना ध्यान से समझना इस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है मतलब ये ज्यादा है और ये कम है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर मास नंबर की वैल्यू ज्यादा रहेगी किससे उसके एटॉमिक मास से हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले आप रिवीजन रिव्यू करके देख सकते हो पीछे तो अगर मास नंबर ज्यादा है और ये कम है तो ऑटोमेटिक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी और हमारा थ्योरी क्या बोल रहा है थ्योरी भी तो यही बोल रहा है कि इफ़ नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन है तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस सही है, ही है। ठीक है कि न्यूक्लियस स्टेबल है ठीक है इन जनरल लोअर द पैकिंग फ्रैक्शन अब याद रखो मजा आ जाएगा इस लाइन से इस लाइन को मतलब दिल में बिठा लेना तो और कुछ नया बनाएंगे ये बनाते हैं हम तारे तो बहुत सारे हो गए इसको सूरज बना देते हैं पार्ट सूरज इन जनरल लोअर द पैकिंग फ्रैक्शन मतलब जितनी नेगेटिव हो सकती है उतनी और हायर द बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ स्टेबिलिटी ठीक है आयरन के लिए पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है ठीक है हाइड्रोजन के लिए हाईएस्ट है भैया वो तो मरी गयो वाला बात हो गई ना फिर समझ में आ गई ये चीज हाईएस्ट किसके लिए है हाइड्रोजन के लिए और लोएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन किसका है आयरन का हमको ये बात याद रखनी है आगे चलेंगे बेटा अब बात करेंगे एक और अच्छी चीज की इसको बोला जाएगा मैजिक नंबर मैजिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ठीक है न्यूक्लियस ऑफ एटम लाइक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो डिफाइन आइट डिफाइन द एनर्जी लेवल्स ठीक है न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि किसी न्यूक्ली के अंदर टू कोमा एट कोमा ट्वेंटी ट्वेंटी एट फिफ्टी एटी टू वन टू सिक्स या तो प्रोटोन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो ठीक है जिस भी एलिमेंट के अंदर जिस भी न्यूक्लियस के अंदर

ये आइसोटोप जिनके अंदर टू कोमा एट कोमा ट्वेंटी ट्वेंटी एट फिफ्टी वन ट्वेंटी टू ये जो भी है ये ज्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स रहेंगे दीज नंबर और ये आपको बताते हैं कि इनके पास जो एनर्जी लेवल्स थे वो भी कंप्लीट थे ठीक है न्यूक्लियंस आर अरेंज इन शेल एज टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज देखो हमने अभी तक क्या सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही अरेंज होते हैं में ऐसा नहीं है हम ये भी मान सकते हैं कि न्यूक्लियंस भी अरेंज होते हैं शेल्स के अंदर तो देखो यहां न्यूक्लियस इन टू टू न्यूक्लियस नुकले, को याद रखो ये बेटा देखो आप अब ये ना ये वो पा, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जो थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी रिलेट करता है रेडियो एक्टिविटी वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी रिलेट करता है तो आपको ये चीजें याद रखनी है ये जनरल साइंस है बेटा कि हीलियम फोर ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40, लेड 208 ये काफी स्टेबल न्यूक्लियस हैं। आप किसी भी टर्म में अगर आप जाके फर्दर स्टडी भी करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन की टर्म में बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में सब जस्टिफाई होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर इसलिए ये स्टेबल है ठीक है इनके अंदर है तो प्रोटोन का नंबर होगा या न्यूट्रोन का नंबर होगा अब प्रोटोन के लिए बेसिकली हम कौन सा मैजिक नंबर यूज कर रहे हैं ये वाला और न्यूट्रॉन्स के लिए हल्का सा डिफरेंट हो गया लेकिन मैजिक नंबर में सिमिलरिटीज आ गई है तो ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटोन है इनको देखना है हमको अब इनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मैजिक नंबर यूज हो गया मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है कैसे हैं स्टेबल है ठीक है वेन बोथ द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर मैजिक नंबर द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्टेबल कि ठीक है न्यूक्लियस का नंबर एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये और ये, ये और ये आ गया 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 तो मतलब वो क्या हो जाएगा हाईली स्टेबल दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द रेडियो डिस इंटीग्रेशन सीरीज टर्मिनेट इन टू स्टेबल आइसोटॉप ऑफ लेड अब याद रखो हम लेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो लेड के अंदर क्या है लेड के अंदर हाइएस्ट स्टेबिलिटी ऑफ हेवी एलिमेंट्स की हम बात कर सकते हैं ठीक है तो लेड लेड के अंदर क्या होगा कि लेड का एक आइसोटोप बनता है वो है 82 टू जीरो एट कहीं लिखा भी होगा हाँ मैजिक नंबर प्रोटोन एटी टू है और आइसोटोप का न्यूट्रॉन कितने ठीक है 126, तो इस इस कंडीशन कंडीशन में जब की की बात की जाएगी तो ये क्या होगा भारी एलिमेंट्स में हैवी एलिमेंट्स में सबसे स्टेबल यही है इसीलिए ये लाइन देखो कि दैट इज वाय मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन सीरीज अल्टीमेटली कहां एंड करता है फॉर्मेशन ऑफ लेड क्यों भैया क्योंकि लेड 208 जो क्यों भैया क्योंकि लेड 126 तो न्यूट्रॉन्स हैं और 82 क्या है प्रोटॉन्स और ये दोनों ही कहां पे फिल होते हैं मैजिक नंबर में फिल होते हैं ठीक है अब अगर आपके दोनों चीजें न्यूक्लियो के दोनों कॉन्ट्रीब्यूटर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही मैजिक नंबर में आ रहे हैं तब ये कंफर्म हो चुका है कि जो न्यूक्लियस है जो एलिमेंट है वो हाइली स्टेबल है अब जितने भी एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी है वो क्या चाहेंगे जो हैवी एलिमेंट्स हैं और जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की जो एबिलिटी है वो क्या चाहेंगी कि वो टूटे या वो डिसइंटीग्रेट हो या फिर वो कुछ भी रिएक्शन करें और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाए लेड के अंदर इसलिए यूरेनियम थोरियम सब क्या ट्राई करते हैं कि वो लेड के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाए अपना एक स्टेबल न्यूक्लियस वहां पर बना ले हमको याद रखना है दोनों में से किसी एक मैजिक नंबर वाला थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा और वो ट्राई करेगा उस मैजिकल नंबर को अटेन करने की ठीक है बेटा ये फैक्टर था मैजिक नंबर का लास्ट फैक्टर जो स्टेबिलिटी को डिफेक्ट को बताता है वो है ये पी एन रेशियो या एन पी रेशियो फॉर रेडियो एक्टिविटी हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिन भी न्यूक्लियस के अंदर हमने स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेक किया रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट चेक किया वो कॉन्सेप्ट टिका हुआ था एन बाई पी के रेशियो पे मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो निकाला गया और उसके ऊपर टिकी हुई है स्टेबिलिटी ओके बेटा इफ वी प्लॉट अ ग्राफ अगेंस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट्स तो ये देखा गया कि जो सबसे स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई बेल्ट के नीचे आते हैं ठीक है ठीक है वापस से पढ़ते हैं इसको कि इफ वी प्लॉट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेंस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर प्रोटोन्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इट हैज बीन दैट मोस्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई लाई इन अ बेल्ट शोन बाय शेडेड रीजन ये जो रीजन है इस बेल्ट में सबसे स्टेबल एलिमेंट्स रहेंगे मतलब कि न्यूट्रॉन्स की बेल्ट के नीचे प्रोटॉन्स की बेल्ट के ऊपर ठीक है इसको बोला गया स्टेबिलिटी बेल्ट यहां पे या तो इसको स्टेबिलिटी बेल्ट बोल सकते हैं स्टेबिलिटी जोन बोल सकते हैं द न्यूक्लियस न्यूक्लियो हूज एन बाई पी रेशियो डज नॉट लाई इन द बेल्ट आर अनस्टेबल जिसका भी एन बाईपी रेशियो इस बेल्ट में नहीं आता है उसको बोला गया है अनस्टेबल या फिर वही किसके अंदर जाएगा स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी ठीक है जिसका एन बाई पी रेशियो इस बेल्ट के अंदर लाइन नहीं करता है वो कहा जाएगा रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन में और वो स्पॉन्टेनियस होगा ये सारे थ्योरी पॉइंट मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं विश्वास करके चलो कि किसी ने अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री से पेपर में क्वेश्चन दिए तो वो आपको मल्टीपल चॉइस में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन देना चाहेगा क्योंकि इसमें बड़ा मजा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिय न्यूक्लियस वॉट इज द रीजन दैट यूरेनियम इज नॉट नॉट स्टेबल गिव फोर और फाइव प्रोबेबिलिटीज वो सब यहां से पूछ सकता है वो आराम से पूछ सकता है बेटा उसको कोई दिक्कत नहीं है तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अब हम लोग बात करेंगे अबाउट रेडियो एक्टिव डी के रेट याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर होती है तो इसको समझना कैसे जैसे वहां पर हम लोग के यूज करते हैं रेट कॉन्स्टेंट यहां हम लोग यूज करेंगे लेमड़ा क्या बोलते हैं इसको लेम्बड़ा बोलते हैं वैसे तो लैम्बड़ा इंग्लिश में लैम्बड़ा लिखते हैं हिंदी में लैमड़ा बोल के छोड़ देते हैं तो इसको हमको समझना है तो इसके हिसाब से ही सारी रिएक्शंस में रेडियो एक्टिविटी होती है या हम रेट निकाल सकते हैं या हम ये कैलकुलेट uh, कर सकते हैं कि ये एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना होगा या ये एलिमेंट फिफ्टी परसेंट कितना देर में टूटेगा फिफ्टी परसेंट कितना देर में बचेगा वो सब हमको यहां देखने को मिलेगा बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेट ठीक है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव the quantity द क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एलिमेंट विच unit इन यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन याद आ रहा है वो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके प्रपोर्शनल वो होता है सपोज करो कि एन नोट कब है जब शुरुआत हुई डिस इंटीग्रेशन की ठीक है जब कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ टी इक्वल टू जीरो पे तब उसमें कितने एटम्स थे एन नोट आफ्टर टाइम टी नंबर रिमेंड जो अनचेंज रहे मतलब जो डिसोसिएट नहीं हुए डिस इंटीग्रेट नहीं हुए वो कितने थे एन टी तो क्या बोला जाएगा द रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन इज माइनस डी एन बाय डी टी इज लेमडा माइनस डी एन बाय डी टी इज लेमडा यह हमको याद रखना है और यह एन के प्रपोर्शनल होती है ठीक है वेर लेमडा इज रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट और डीके कॉन्स्टेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीकेस कैन बी रिटर्न लाइक दिस अब देखो थोड़ा सा थ्योरी को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए है नहीं तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को करने का तरीका क्या होता है कि T इक्वल टू जीरो पे एटम्स है एन नोट अब T इक्वल टू टी आ गया तो एटम्स कितने हो गए एन टी तो हमने क्या पढ़ा हुआ है के इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टी लोग ए नॉट अपॉन ए पड़ा हुआ है अरे यहां पे तो ए नॉट अपॉन ए आएगा ही नहीं अरे यहां पे तो के भी नहीं आएगा तो यहां क्या हो जाएगा लेमड़ा इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लोग एन नॉट अपॉन एन टी यही तो है आई बात समझ में बेटा तो अगर इसको क्लेरिफाई करके देखा जाए मतलब और कंपेरेटिवली देखा जाए तो सिंपल सी ये निकल के आ रही है बात, जो हमने पहले ही पढ़ लिया ठीक है आपको यहां से दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं एन टी इक्वल्स टू ये वाला याद रखना है ठीक है और अल्टीमेटली ये वाला भी याद रखना है पर बेटर तरीका कौन सा है ये याद रख लो आप सबसे बढ़िया बेटा यह हमारे लिए रिजेंबल भी करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से दिस इज रिएक्शन अच्छा रिए करने के बाद पता लगा था कि अरे भैया ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सिमिलर है टू पॉइंट तो क्या पता लग गया यहाँ से कि सारी की सारी रेडियो एक्टिव कैसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ठीक है थीके? अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका हाफ लाइफ भी निकाल सकता है याद रखो एक और चीज रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्ली न्यूक्लाइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर सो इट्स एनर्जी इज एक्टिव एक्टि की ई ए कितनी आ जाएगी ई ए इसकी आ जाएगी जीरो इसके लिए एनर्जी एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है ये स्मॉल टी मतलब टाइम है टेम्परेचर नहीं है अब अगर हम बात करें हाफ लाइफ की द हाफ लाइफ वॉट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ मैंने आपको तीन बार समझा दिया कि इनिशियल से फिफ्टी परसेंट तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा बेटा हाफ लाइफ ओके okay? इनिशियल से 50 परसेंट जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलेंगे हाफ लाइफ और यही हमको याद रखना है इसके फॉर्मूलाज इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए हमको सब करने हैं टी हाफ टी वन बाय टू टी बाय टू कुछ भी लिख सकता है वो तो हाफ लाइफ निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये हमारे पास में टी हाफ इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन लेमड़ा मतलब दिके कॉन्स्टेंट यहां से निकाल सकते हैं लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन और इंपॉर्टेंट जो हमें क्वेश्चन में यूज करना ही करना है वो यह रहा ठीक है पढ़ो ध्यान से कि अगर आपको एन नोट सब्सटेंस दिया हुआ है और एन सब्सटेंस से आपका कुछ सब्सटेंस बच गया और आपसे पूछा गया बताओ ये कितने साल में इतना बचा तो बेटा देखो ध्यान से इसको ऐसे करना है कि मैं पूरा तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा आपको कि मेरे पास इनिशियली में कितना था एनोट ठीक है कितना है मेरे पास इनिशियली एन नोट ठीक है एक हाफ लाइफ के बाद आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये कितना बचेगा एन नोट बाय टू ठीक है अब यहां पे ये तो मेरी पहली हाफ लाइफ हो गई समझना ध्यान से कि मेरे पास ये इतना बचा हुआ इतना था इतने में से ये अब इतना बचा दो पार्ट हो गए ना इसके अब इसमें से क्या हो जाएगा ये इतना बचेगा फिर इसमें से क्या हो जाएगा ये इतना बचेगा फिर इसमें से क्या हो जाएगा ये इतना बचेगा समझ रहे हो इस तरह से हाफ लाइफ वर्क करती है कि हर बार 50 परसेंट कम हो जाएगा 50 परसेंट कम होता जाएगा और अल्टीमेटली वो जीरो क्या पता जीरो हो ना हो बट उसमें बहुत टाइम लगेगा इतना टाइम कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते ठीक है बात समझ में आ गई है अब एक और इसको समझो कि मेरे पास चार पार्टिकल्स थे ठीक है इन चार पार्टिकल्स मतलब इस एलिमेंट एक्स की हाफ लाइफ कितनी है सौ साल कितनी है सौ साल हंड्रेड ऑफ हाफ लाइफ मतलब कि सौ साल बाद ये फिफ्टी परसेंट बचेगा बात समझ में आ गई तो देखो आफ्टर हंड्रेड इयर्स अब ये कितना हो जाएगा इतना अब मुझे बताओ इसकी हाफ लाइफ कितनी है बताओ एक बार ध्यान से जब इसकी हाफ लाइफ सो साल है इसकी कितनी होगी पचास साल नहीं ये अभी भी वही एलिमेंट एक्स है फिफ्टी परसेंट बचा हुआ इसकी हाफ लाइफ भी उतनी ही होगी मतलब इसकी हाफ लाइफ हंड्रेड ईयर तो आफ्टर हंड्रेड ईयर्स कितना बचेगा यह सिर्फ एक अब इसकी हाफ लाइफ कितनी है वापस से देखो ये हंड्रेड ईयर है अब ये कितना बचेगा आधा फिर इस आधे की हाफ लाइफ भी कितनी हो जाएगी ंड्रेड परसेंट मतलब ये एलिमेंट का तो चांस नहीं कभी खत्म हो जाए इस तरीके से हम निकालते हैं तो जब आप इसको देखोगे कि फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी थी इतना बचा फिर एन जीरो हाफ लाइफ में कितना बचेगा एन नोट बाय फोर मतलब कहीं ना कहीं ये किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है इसके प्रोपोर्शनल चल रहा है तो अल्टीमेटली एन हाफ लाइफ के बाद में कितना अमाउंट बचेगा ये लिखा हुआ कि अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वहां पे एन हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा उसको बोला गया है ये बात समझ में आ गई यहां पे टोटल टाइम टी कितना हो जाएगा एन हाफ लाइफ और ये एन क्या है होल नंबर है इसको भी देखेंगे कैसे निकालते हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके लिए तो मैं मतलब तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा वाली बात कर देते हैं ये देखो ये मेरा चंदा है ये मेरा सूरज है और ये मेरा तारा है इतना इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला तो ठीक है चांद सिफारिश करता हमारी देता वो तुमको बता इतना इंपॉर्टेंट है ठीक है याद रखना है इस फॉर्मूले को कि एन जो बचा हुआ है आफ्टर सर्टन हाफ लाइफ वो कितना होगा एन नोट बाय टू एन मतलब जितनी हाफ लाइफ वहां पे लग गई है चलें आगे आगे चलें क्या ठीक है फिर चलते हैं और दूसरा क्या निकाल सकते हैं हम लोग एवरेज लाइफ पीरियड टी सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि सम ऑफ ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने न्यूक्लियाई बचे हैं मतलब कितने न्यूक्लियाई थे वहां पे और उसमें से सम ऑफ लाइव निकाल दोगे रेशियो निकालोगे तो क्या बोलेंगे इसको एवरेज लाइफ ठीक है सिंस टोटल डीके पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट इज इनफिनिटी एक बात बताओ कोई एक एलिमेंट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी भी क्या जीरो हो सकता है क्या नहीं हो पाएगा उसके हाफ लाइफ तो ऐसे है ना कि अगर मान लो आपने सो एलिमेंट लिए सो एटम्स लिए So, फिर सो फिर में से पचास फिर पच्चीस फिर तीस ऐसे बचेंगे लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता हम क्या मान के चल रहे हैं हैं उसको मान के चल रहे हैं। तो अगर इस केस में जब वो इनफाइनाइट टाइम तक जिंदा रहता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा उसका एवरेज लाइफ निकालनी पड़ेगी मतलब सबका मिला के एवरेज निकाल देंगे इसको बोला गया एवरेज लाइफ वो कैसे निकालते हैं सम ऑफ लाइव ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वापस से आ गया फिर तारा चांद लगाना पड़ेगा एवरेज लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज इनवर्स टू इट्स डी कॉन्स्टेंट ये याद रखना है फॉर्मुला न्यूमेरिकल इससे ही बनेंगे एवरेज लाइफ इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इट्स डीके कॉन्स्टेंट या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो अरे सर मेरे को तो ये पता है ना पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन टी हाफ ठीक है तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई इसको यहां भर दो टी इक्वल टू टी हाफ अपॉन पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ये आ गया मतलब वन पॉइंट फोर फोर इंटू टी हाफ से क्या निकल के आ जाएगा आपका टी एवरेज निकल के आ जाएगा ठीक है ये आपको याद रखना है <laughs> या फिर आप बोल सकते हो इसको अंडर सकते हो अंडर जाएगा आपका एवरेज लाइफ हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इसको आगे चलेंगे एक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन और स्पेसिफिक एक्टिविटी ये निकालने का मतलब है कि आप ये निकाल लो कि वहां पर प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे इट इज द मेजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई विच डीके पर सेकंड पर ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक आइसोटोप की एक स्पेसिफिक टाइम के स्पेसिफिक फ्रेम में कितने रेडियो एक्टिव एटम्स शो हो रहे हैं कितने रेडियो एक्टिव एटम्स वहां पर डिके हो रहे हैं इसको बोला गया है एक्टिविटी पॉपुलेशन इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है लेमड़ा इन टू एन अपॉन एम एन इज अवगाद्रो नंबर क्वेश्चन इतना डीप में आते नहीं है वैसे पर लेमड़ा इन टू एन अपॉन एम एम इज मास नंबर एटोमिक मास और एन इज अवगाद्रोज नंबर लास्ट छोटी सी चीज एट इक्विलिब्रियम की एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट किस तरीके से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा देखो ये कभी भी एक स्टेप में नहीं होती है ये तब तक चलेगी जब तक डिसइंटीग्रेशन के बाद में हमें एक स्टेबल एलिमेंट नहीं मिल जाता स्टेबल एलिमेंट मिलेगा तो डिसइंटीग्रेशन रुक जाएगा वरना ये नहीं रुकेगा ये हमको याद रखना है आगे चलें इसके बाद में अगर आप अगला पॉइंट देखोगे इंपॉर्टेंट है ये तो पॉइंट क्या है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी इसको तो आप याद करो ठीक रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है सबसे पहले तो डीपीएस डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड उसके अलावा क्यूरी हो सकती है उसके अलावा रदरफोर्ड हो सकती है ये हमको याद रखनी है क्यूरी माइक्रो क्यूरी मिली क्यूरी रदरफोर्ड माइक्रो रदरफोर्ड मिली रदरफोर्ड ये सब हो सकती है ये हमको याद रखनी है डीपीएस भी याद रखनी है और क्यूरी क्या है इसकी स्पेशल मतलब इसकी डिफाइंड यूनिट है तो एक क्यूरी इक्वल टू क्या होगा

याद रखनी है डीपीएस क्या है डिस इंटीग्रेशन पर सेकंड एक्चुअल में इसकी ऐसा यूनिट क्या है क्यूरी और एक क्यूरी का मतलब कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन पावर टेन डीपीएस आरडी मिल सकता है आरडी का मतलब रिदर होगा ये या आपको याद रखनी चीजें इनमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं बेटा अब स्टार्ट करेंगे एक थोड़ा सा और इसके अंदर बीच में टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स ओके बेटा अभी स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स भैया कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि वो तो ऐसे बैठे हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेबल है लेकिन हमको तो आदत है ना तुम चुपचाप कैसे बैठे हो तुम शांत कैसे हो तुम्हें डिस्टर्बेंस क्यों नहीं हो रहा हम तो परेशान करेंगे हमने क्या किया उनमें करवाया ट्रांसम्यूटेशन एक्टिविटी हमने बार बार न्यूट्रॉन भेजा और याद रखना स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बहुत डेंजरस होता है वो ना इतना प्यार से आएगा आप, आपको अपने प्यार में दीवाना बनाएगा और चला जाएगा और वहीं से फिर स्टार्ट होती है फ्यूजन फ्यूजन की कॉन्सेप्ट ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ को बता रहा हूँ हाँ अपने बीच की बात है बाहर लीक नहीं करनी है बाहर लीक करी और बस फिर तो गेम बजाना पड़ेगा रे बाबा तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन द कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इन टू अनादर बार आर्टिफिशियल देखो ऐसा है कि कुछ स्टेबिलिटी वाले एलिमेंट्स हैं जिनको रेडियो एक्टिविटी से मतलब नहीं।, नहीं बोला हम इस मोह माया से दूर हैं हमने कहा नहीं रुको वत्स हम तुम्हारे लिए अप्सराएं भेजते हैं हमने भेज दी जो एलिमेंट स्टेबल थे उनमें हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी जनरेट कर दी अब ये जनरेट की गई है ना तो क्या बोला जाएगा इसको आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल मीन्स का मतलब क्या होगा कि हमने कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स का ट्वीक कर दिया कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने उसके अंदर अलग से डाल दिए जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के साथ में हम लोगों ने क्या एडिशन करवाया अल्फा पार्टिकल का अब इसको भूल जाओ एक बार इनको भूल जाओ एक बार ठीक है यहाँ पे टोटल मास कितना है फोर्टीन प्लस फोर टोटल आइटम प्रोटोन्स कितने हैं सेवन प्लस टू इधर भी वही रहेंगे ठीक है नाइट्रोजन के ऊपर हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स का बोमबार्डमेंट करवाया तो नया एलिमेंट बन गया उड़ी बाबा और ये रेडियो एक्टिव है है ठीक अब ये ये क्या हुआ ये रेडियो एक्टिविटी किसी के बोलने से आई किसी के करवाने से तो क्या बोला जाएगा इसको इंडिस्ट इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी इसको इंड्यूस किया गया है इसको प्रेरित किया गया है तो क्या बोला जाएगा इसको इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी याद रखनी है बात बेटा ठीक है अब देखो नाइट्रोजन 14 था जब ये अनस्टेबल नहीं था ये स्टेबल था इसको रेडियो एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं था लेकिन अब जब ये 17 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका है तो भैया तो भारी हो गया जिका हो गया भारी हो गया अज भारी हो गया तो मतलब ये रेडियो एक्टिव हो गया क्लियर है चीज बेटा इसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे हम लोग ये इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे जहां पे ने ने या आर्टिफिशियल को इंड्यूस किया है जैसे कि पार्टिकल्स की बात करें या हम बात करें न्यूट्रॉन्स की अब देखो सिंस एल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड ड्यूट्रॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज तो इनकी वजह से भी कभी कभी हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं कि हाउ दे रिपेल इच अदर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन्स या फिर ड्यूट्रॉन की बात करें तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है अब इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब आप एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो ये रिपेल करेंगे अब ये रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस पे अटैक नहीं कर पाएंगे मतलब कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड हेंस दीज आर नॉट गुड प्रोजेक्टाइल्स ऑन दी अदर हैंड न्यूट्रॉन्स जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है ठीक है अब जब इनपे चार्ज नहीं है तो इनको बोल सकते हैं कि हम बेस्ट प्रोजेक्टाइल किसको मान सकते हैं न्यूट्रॉन्स को हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है हमारे पास में प्रोटॉन्स है हमारे पास में न्यूट्रॉन्स है और अभी न्यूट्रॉन्स की भी बात कर रहे हैं तो इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा हुआ अल्फा पार्टिकल नहीं हुआ बीटा भी नहीं हो सकता बिकॉज उसमें भी चार्ज होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं है, तो बेस्ट प्रोजेक्टाइल उसको माना जाएगा इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है न्यूट्रॉन्स को एक्सिलेट कर सकता है या पार्टिकल्स का स्पीड या मूवमेंट चेंज कर सकता है द पार्टिकल्स लीव द इंस्ट्रूमेंट विद अ वेलोसिटी ऑफ अबाउट 25,000 माइल्स पर सेकंड अ मोर रीसेंट एक्सिलेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज सिंक्रोट्रॉन इन दोनों डिवाइसेस से या बेवेट्रॉन जो नाम लिखे हुए हैं नाम आप याद कर लीजिएगा इन डिवाइसेस की वजह से या इन डिवाइसेस की हेल्प से हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं इन एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को हम किसी भी एटम की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और वो वहां जाके उसके ऊपर अटैक करेगा या हम बोल सकते हैं उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस करने का ट्राई करेगा व्हेन अ टारगेट एलिमेंट इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स स्लो न्यूट्रॉन्स पेनेट्रेट द न्यूक्लियस वाइल अ हाई स्पीड न्यूट्रॉन पासेस थ्रू द न्यूक्लियस मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस को पेनेट्रेट करवाना है तो हमको स्लो न्यूट्रॉन लेना पड़ेगा स्लो न्यूट्रॉन आराम से जाके न्यूक्लियस पे अटैक करेगा और उसको एक नया न्यूक्लियस बनने पे फोर्स कर सकता है बिकॉज उसका न्यूक्लियस अब कैसा हो चुका है हेवी हो चुका है, ठीक है ये है बेसिक किसका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं ये देखो यूरेनियम 238 है आई होप दिख रहा होगा सभी को इसके ऊपर एक स्लो स्पीड न्यूट्रॉन ने अटैक किया और मास को इंड्यूस कर दिया ठीक है अब मास बढ़ गया है इसका ऑन दी अदर हैंड अगर हम हाई स्पीड की बात करेंगे तो टच करके निकल जाएगा वो और टच करेगा तो पता है क्या करेगा वो अकेला नहीं साथ में किसी और न्यूट्रॉन को भी ले जाएगा देखो इसके साथ में एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन आया उसने एक और निकाल के दो लेके चला गया यहां से ठीक है द स्लो न्यूट्रॉन्स ऑल्सो कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन देन हाई स्पीड न्यूट्रॉन डेफिनेटली अब ये और अनस्टेबल हो गया और अब ये टूटेगा ठीक है यहां पे हम एक वापस एक कूल टर्म लेके आते हैं एल्केमी एल्केमी वो प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और जो लोग ये काम करते हैं उसको बोलते हैं एल्केमिस्ट ठीक है अब हम समझना स्टार्ट करते हैं जैसे कि सबसे पहला ट्रांसम्यूटेशन समझते हैं ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे फेमस है जेम्स चेडविक ने एक्सपेरिमेंट किया था बेरेलियम के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवाया गया तो एक नया पार्टिकल निकल के सामने आया जिसको बोला गया कार्बन ट्वेल्व और साथ में एक पार्टिकल और निकला जिसके अंदर चार्ज नहीं था मास था ठीक है प्लूटोनियम और क्यूरियम के बीच की बात करें तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ इसके ऊपर प्लूटोनियम के ऊपर एक एल्फा पार्टिकल का अटैक हुआ और वहां पर बना क्यूरियम और क्यूरियम के साथ में क्या निकल के गया एक न्यूट्रॉन निकल के गया तो ये कैसा ट्रांसम्यूटेशन है एल्फा पार्टिकल्स वाला ट्रांसम्यूटेशन है दूसरा हमारे पास में यह है कि जब फ्लोरीन के ऊपर एक एल्फा पार्टिकल का अटैक किया गया तो एक नियोन बन गई और यह हाईली एक्टिव नियोन है ठीक है और यहां पे साथ में क्या निकला एक प्रोटॉन निकला तो एल्फा पार्टिकल के साथ में न्यूट्रॉन का टाइप प्रोटॉन का टाइप और बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइप वाले यहां पर निकल के आ रहे हैं जैसे आयरन है आयरन स्टेबल है उस पर एक अल्फा पार्टिकल का अटैक करवाया तो एक कॉपर बना रेडियो एक्टिव है और साथ में क्या निकल गया एक बीटा पार्टिकल निकल गया ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन्स की बात की जाए तो हमने लिया एक फोस्फोरस उसके ऊपर प्रोटॉन का अटैक करवाया क्या बन गया सल्फर लेकिन ये रेडियो एक्टिव है और साथ में क्या निकल गया न्यूट्रॉन आप सब देखना सब जगह पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ मास का क्राइटेरिया uh, फुलफिल हो रहा है प्रोटॉन गामा टाइप में क्या हुआ कार्बन लिया उसमें प्रोटॉन का अटैक करवाया नाइट्रोजन बन गया एन थर्टीन अगेन ये अनस्टेबल है साथ में क्या निकल गई एनर्जी निकल गई इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बेटा बस ये एग्जाम्पल्स हमको याद रखने की हाँ ऐसे भी एग्जाम्पल्स याद रखने का मतलब कि हां देखा हुआ होना चाहिए कि क्या पता कभी कोई पूछ ले वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा वो आपसे पूछ सकते क्या एल्यूमिनियम से सोडियम बनना पॉसिबल है क्या क्या एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम बनना पॉसिबल है क्या हाँ प्रोटॉन्स का एक्सचेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट हो सकता है वहां से और उस वजह से पॉसिबल है कि एक नया एलिमेंट बन जाए इसलिए अब आप कोई आपसे डिस्कस कर रहा हो कि क्या फ्लोरिन से न्यून बन सकता है तो आप लोग हंसने लग जाओ उसके ऊपर ऐसा नहीं है फ्लोरिन से न्यून बन सकता है फ्लोरिन के ऊपर अटैक करो अल्फा पार्टिकल का बन जाएगा आराम से तुमको बस वो बात याद रखनी है ठीक है बेटा चलो आगे तो जैसे कि अब ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन लास्ट है देख लो एक बार एल्यूमिनियम पे न्यूट्रॉन गया तो मैग्नीशियम बन जाएगा और मैग्नीशियम ये कौन सा बन रहा है हाईली रेडियो एक्टिव वाला कि 24 से 27 सेवन चला जा, चला गया मित्रों कितना जान लोगे उसकी ऑक्सीजन पे न्यूट्रॉन का अटैक करवाया तो कार्बन बन गया समझ रहे हो यूरेनियम 238 पे न्यूट्रॉन का अटैक करवाया तो देखो समझ में आ गया उसके अंदर और एक्टिविटी बढ़ गई ये सब चीजें हमको याद रखनी है ठीक है कुछ एलिमेंट्स जो आफ्टर 92 टू एटोमिक नंबर के हैं सब जैसे कि 26 टू ट्वेंटी सब नेचर में तो मिलते नहीं है इनको बनाया गया हमने कहा ना हम किसी को चेन से नहीं बैठने देंगे केमिस्ट्री वाले हैं हम या तो एक्सेप्शन लेके आएंगे तो दिमाग खराब कर देंगे या फिर हम नया एलिमेंट ही ले आएंगे तो हमने क्या किया यूरेनियम के बाद के सभी एलिमेंट्स को बना दिया इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या सिंथेटिक एलिमेंट्स ठीक है इन सभी को स्पेशल टेक्निक से बनाया गया स्लो मूवमेंट ऑफ एलिमेंट स्लो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन से बनाया गया ट्रांसम्यूटेशन से बनाया गया मतलब ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट अब आ जाइए हमारे लास्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो कि है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है अब सिंपल सी चीज है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर विजन मतलब कि टूटना द स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवियर एटम लाइक यूरेनियम टू थर्टी फाइव इन टू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ स्मोलर मास ठीक है कब जब हमने सूटेबल सब एटोमिक पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट कर दिया इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और जब भी आप करोगे कि एक हेवी एलिमेंट के न्यूक्लियस पे आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ऐसे अटैक करवाया और वो टूटा इससे जो एनर्जी निकलेगी इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी और इस प्रोसेस को कि एक हेवी एलिमेंट टूट के छोटे एलिमेंट बन रहे हैं इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन ओके बेटा इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन इसमें सबसे फेमस जो है वो है यूरेनियम 235 थर्टी यूरेनियम 235 पे जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का अटैक होता है तो यहां से दो बनते हैं पहला और साथ में क्रिप्टॉन और साथ में निकलती है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और इसकी बात याद रखना कि यहां से ये यह फिक्स है इसको याद रखने के मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये एक रिएक्शन फ्यूजन में काम आती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी ऑलमोस्ट यही काम में आती है तो यहां पे तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं अब अब मामला बिगड़ गया अगर ये रिएक्शन आपने एक एटम के साथ में स्टार्ट की थी तो अब ये रिएक्शन बढ़ती जाएगी यहां पे तीन न्यूट्रॉन निकले अगली बार में नौ न्यूट्रॉन आएंगे फिर 27 आएंगे फिर 81 आएंगे और ये बन जाएगी पूरी की पूरी चेन और इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट तो हो जाती है खत्म अपने हिसाब से होती है ठीक है एलिमेंट्स हु आर अंडर गोइंग कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर फिजन आर कॉल्ड एस फिजिल क्या बोलते हैं इनको फिजिल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको इनकी वजह से ही हमको एनर्जी मिलती है इनकी वजह से ही हमको केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन देखने को मिलती है ठीक है ये हमको याद रखना है आप यहां पे भी चेक कर सकते हो क्या यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है क्या देखो यहाँ पे टोटल चार्ज मतलब टोटल प्रोटॉन कितना टोटल मास कितना है टू थर्टी फाइव प्लस वन टू यहाँ पे कितना है वन फोर्टी प्लस नाइन्टी प्लस थ्री कितना आ जाएगा 236 इसलिए ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजन का सिंपल सा मतलब है टूटना अगर तोड़ सकते हो तो समझ जाओगे आगे पढ़ते हैं बेटा थ्योरी थ्योरी इसके अंदर एलिमेंट्स कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग न्यूक्लियर फिजन एंड देयर फिजन प्रोडक्ट्स अमंग एलिमेंट्स कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग गोइंग फिजन एंड देयर कॉमन प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करेंगे सबसे पहला जो सबसे कॉमन एलिमेंट जो न्यूक्लियर फिजन की तरफ जाता है वो यूरेनियम यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके तीन ऐसे टॉप है टू थर्टी फोर टू थर्टी एट और ये तीनों के तीनों कैसे हैं रेडियो एक्टिव ऑफ दी थ्री यूरेनियम आइसोटॉप न्यूक्लियर फिजन के लिए हमें कौन से यूज करना है 235, 238 ठीक है कैसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है फिजन याद रखना है फिजन के लिए दो इंपॉर्टेंट 235, 238 इनमें से यूरेनियम 238 सो अड़तीस फिजन बाय फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स अरे रे 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 ये कहा था सर अभी दिखाया था क्या आपने सेकेंड देखो स्लो स्पीड वाला यह है कॉन्सेप्ट और फास्ट स्पीड वाला यह है कॉन्सेप्ट ठीक है तो 238 जब भी फ्यूजन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेगा उसको चाहिए फास्ट फिजन ठीक है और 235 थर्टी फाइव अंडर गोज विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स ठीक है इसका न्यूट्रॉन फास्ट रहेगा इसका न्यूट्रॉन स्लो रहेगा ठीक है अब जब हमको स्लो मूविंग मिल रहा है न्यूट्रॉन और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से कौन इंड्यूस हो रहा है यूरेनियम 235 तो उससे क्या होगा दो नए एलिमेंट बनने के चांस है इसीलिए 235 का फिजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसका फिजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये हमको याद रखना है बेटा 235 अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम में कैसे होगा पहले टू थर्टी फाइव सॉरी टू थर्टी एट कैसे कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम में पहले टू थर्टी एट पे न्यूट्रॉन आएगा फास्ट वाला तो ये बनेगा टू थर्टी नाइन और टू थर्टी नाइन से थोड़ा सा बीटा निकलेगा मतलब एक बीटा पार्टिकल डिके हो जाएगा और ये बन जाएगा नपच्चूनियम और नेपच्चुनियम से क्या बनेगा फिर सीधा प्लूटोनियम इस तरीके से ये होता है ये हमको याद रखना है चले आगे इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैसी होती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को हम लोग बोलते अच्छा इसमें कभी कभी ऐसा भी आता है फर्टाइल मटेरियल क्या होता है फर्टाइल मटेरियल वो मटेरियल है जो इस फिजन के अंडर वो हो सकता है या तो इसको बोल सकते हैं फिजल फिजल मटेरियल फिजिबल मटेरियल या फिर इसको बोल सकते हैं फर्टाइल मटेरियल बिकॉज ये कैसा है ये रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के अंदर जा रहा है तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होता है कि जब जब हम एक न्यूट्रॉन से किसी एक एटम पे अटैक करेंगे तो ये इसको फर्दर आगे प्रोसीड करता जाएगा मतलब ऐसा हुआ कि एक बार बस एक बार स्लैप कर दो आगे बढ़ती जाएगी वो स्लैप जैसे वेव चलती है पानी में

चेन रिएक्शन और इससे निकलेगी ढेर सारी एनर्जी आप पढ़ो मत आप देखो यह है आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सब क्या है यूरेनियम टू थर्टी फाइव मैं काम करता हूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं अब यहां पे टू थर्टी फाइव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई अब ध्यान से देखना इसको ठीक है थोड़ा सा और बढ़ाएं क्या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं देखो मस्त दिख रहा है ना ये सब क्या है यूरेनियम टू थर्टी फाइव के एटम्स हैं अब इसको स्टार्ट करते हैं ये आया स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ए ए लग गया और देखो इसने कितने न्यूट्रॉन्स इंड्यूस कर दिए अब वो न्यूट्रॉन्स हर एक के पास जा रहे हैं तोड़ रहे हैं उसको देखो जो ब्लर हो गए वो स्टेबल हो गए जो ब्लर हो गए वो स्टेबल हो गए ये चलता रहेगा जो ब्लर हो गए वो स्टेबल हो गए ठीक अब न्यूट्रॉन्स खत्म हो गए और लाए न्यूट्रॉन्स ये लो फिर और देखो ध्यान से अब देखो अब कितनी एनर्जी निकलने वाली देखना देख रहे हो यह है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एक न्यूट्रॉन से स्टार्ट हुई थी बेटा और देखो इतनी हो गई मजा नहीं आया और देखो अब देखो बढ़ रही नहीं बढ़ रही आगे देखो कितनी एनर्जी निकल रही है ये रेड लाइंस का मतलब है एनर्जी निकल रही है और पूरे सब के सब टूट गए यहां पे ऑलमोस्ट सारे टूट जाएंगे थोड़ा बहुत रेडियो तो बचेगी सही बेटा इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन ये हमको याद रखनी है ठीक है इस चेन रिएक्शन से ही तो हमको एनर्जी मिलती है आप देख सकते हैं यूरेनियम था यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन लगा और ये से बढ़ता गया आगे अब न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात की जाए तो सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो है एटॉमिक बॉम्ब ठीक है एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है यह एक ऐसा बॉम्ब है जिसके अंदर टीएनटी एंडी ट्राई नाइट्रोटोलुन से भी कहीं हजार गुना ज्यादा पावर है ठीक है आप वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टीएनटी एन बॉम्ब इमेजिन कर लो उसका भी कई गुना ज्यादा पावरफुल कौन है एटॉमिक बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये? विजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है है इसके अंदर क्या होता है? कि एक भी न्यूट्रॉन एक्स एक्केप नहीं कर पाता जैसे अभी क्या हुआ था कि कई न्यूट्रॉन निकल गए थे ठीक है वो क्या होगा फिजिल मटेरियल के साथ में चिपकेंगे और इतना जोर से ब्लास्ट होगा कि वो आसपास का सारा एरिया ही ऑक्युपाई कर लेंगे उस एनर्जी में उस एनर्जी की रेडिएशन में सारा एरिया ऑक्युपाई हो जाएगा तो पढ़ते हैं इसके बारे में एन एटोमिक बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन विच नो सेकेंडरी न्यूट्रॉन एस्केप्स द लंप ऑफ फिजिल मटीरियल फिजिल मटीरियल मतलब जो मटीरियल के साथ में फिजन होगा ठीक है

और इसके चारों तरफ हमने भर दिया explosive. अब इस एक्सप्लोजिवोसिव को ट्रिगर करने के बाद में, जैसे ये, ये एलिमेंट भरा, मतलब भरा हुआ है जैसे ही यहां से न्यूट्रॉन्स स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स यहां पे चिपकेंगे यहां स्टार्ट हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फिजन और यहां पे होगी ब्लास्ट बुम ठीक है देर इज अकॉर्डिंगली सडन रिलीज ऑफ अ ट्रीमेंडेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिप्रेजेंट एन एक्सप्लोजिवर्स मच ग्रेटर दो टाइप के एटोमिक बॉम्ब गिरे थे जापान के दो सिटीज पे हीरो नागा की एक के अंदर टू थर्टी फाइव यूरेनियम था एक के अंदर था हमारा प्लूटोनियम टू थर्टी नाइन आपको याद रखना है फर्स्ट के अंदर टू थर्टी फाइव था दूसरे के अंदर प्लूटोनियम टू थर्टी इन था ओके okay, बेटा आई होप ये याद रह जाएगा आपको चलो आगे इसकी सेकेंड चीज जो हमको पढ़नी है वो है एटॉमिक पाइल और न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जो न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर सकता है और इसको कंट्रोल भी कर सकता है वहीं पे ठीक है इस डिवाइस का ही यूज हम लोग कहां करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ठीक है इस डिवाइस का यूज कहां पर करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इसके अंदर क्या होता है स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कहा जाते हैं यूरेनियम मेटल की तरफ जाते हैं एंड दे आर मोर लाइकली टू कॉज अडिशनल फिजन ये जैसे ही चिपकेंगे ये तोड़ते हुए निकलेंगे उसको किसको यूरेनियम मेटल को ठीक है अब यहां पे हम क्या यूज करेंगे अगर मुझे इस न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करना है मुझे पता है एक बार अगर मैंने न्यूट्रॉन से इसको स्टार्ट कर दिया तो ये रुकेगा नहीं न्यूट्रॉन अगर 235 यूरेनियम की तरफ जाएगा ये रुकने वाला नहीं है अब मुझे कंट्रोल करना है तो मैं क्या यूज करूंगा यहां पे? ग्रेफाइट रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहां पे। आप एक काम करना आप आज गूगल पे सर्च करना कि व्हाट वाज़ द रीजन ऑफ चेरनोबिल रेडियो एक्टिविटी ब्लास्ट या फिर चेरनोबिल न्यूक्लियर फिजन का न्यूक्लियर ब्लास्ट का रीजन क्या था आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ठीक है तो सच अ सब्सटेंस लाइक ग्रेफाइट विच स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स विदाउट अब्जोर्बिंग देम इज नोन एज मॉडरेटर यहां पे किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं फर्स्ट इज मॉडरेटर सेकेंड इज अब्जोर्बिंग रोड ठीक है यहां पे अगर आपको न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है वो इतना स्लो डाउन करना है कि मेरी मर्जी पड़ेगी तब मैं फ्यूजन कराऊंगा फ्यूजन रोक नहीं सकता को स्लो डाउन कर सकता हूं मैं चाहता हूं कि दिन भर में सिर्फ दस परसेंट फिजन हो मैं क्या यूज करूंगा वहां पे मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करेगा और जनरली उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग ग्रेफाइट रोड क्या यूज करते हैं उसके लिए हम लोग ग्रेफाइट रोड हैवी वॉटर जिसको हम लोग बोलते हैं डी टू ओ इज अनादर इंपॉर्टेंट मॉडरेटर जो हम लोग ग्रेफाइट रोड के अलावा यूज कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे जब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बन गए वह बताओ मान लो कि मेरे पास एक किलो यूरेनियम पड़ा हुआ है एक किलो यूरेनियम की कीमत है लगभग तीन से चार करोड़ रुपए के आसपास होगी इसकी कीमत तो मेरे पास एक किलो यूरेनियम पड़ा हुआ है अब मैंने फ्यूजन स्टार्ट किया मैंने गीगर काउंटर चेक किया वहाँ पे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी हो रही थी तो मुझे लगा कि इसका रेडिएशन कम किया जाए कम कैसे कर सकता हूँ मैं क्या सामान निकाल लूँ वहाँ से या फ्यूल निकाल लूँ वहाँ से नहीं मैं क्या करूँगा न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लूंगा तो मैंने पहले क्या यूज किया मॉडरेटर जो मैं कर रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे रिएक्शन को स्टॉप करना भी पड़ सकता है तो मैं क्या करूं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को निकाल लू ना वहां से उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एब्जॉर्बर क्या यूज करते हैं एब्जॉर्बर और वहां पर यूज करते हो आप कैडमियम की रोड्स या फिर बोरॉन की रोड ठीक है इनको बोलते हैं कंट्रोल रोड आपको पता लग जाएगा ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि चेरनोबिल सी एच ई -E आर एन ओ बी वाई एल चरणों बिल को सर्च करना है, एक बार आपको पता लग जाएगा ठीक है इन रोड्स की वजह से एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को हटाया जा सकता है क्वेश्चन क्या आएंगे आंसर है यूरिनियम टू थर्टी फाइव व यूज ऑफ ग्रेफाइट यह मॉडरेटर वॉट इज दूस डी टू अगेन मॉडरेटर वॉट इज दूस ऑफ बोरन और कैडमियम यह है, Again, ये है जो किसको अब्जॉर्व करते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को ठीक है ये हमको याद रखना है ठीक है मोस्ट कॉमन रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ लार्ज असेंबली ऑफ ग्रेफाइट बहुत बड़ी बड़ी असेंबली होती है ग्रेफाइट ब्लॉक्स की हैविंग रोड्स ऑफ ऑफ यूरेनियम मेटल इनसाइड देम मेनी द द न्यूट्रॉन्स बाय न्यूट्रॉन्सम्ड ऑफ न्यूक्लियाई एस्केप्ड इनटू ग्रेफाइट वहां पे उसको अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या होता है कैडमियम या बोरोन यह है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर और इसी के बेस पे चलता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चार बेसिक चीजें होती है पहला रिएक्टिव कोर सेकंड हीट एक्सचेंजर थर्ड स्टीम टर्बाइन चौथा स्टीम कंडेंसेशन सिस्टम ठीक है यहां से न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक सबसे बेसिक यूज जो हम लोग देखते आ रहे हैं बेटा वो है हमारा पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में आपको एक वाटर सोर्स दिखेगा जिसके अंदर होता है डी टू ओ वहां पे होता है ये देखो इस तरह से प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर यहाँ पे कोर है कोर के अंदर कंट्रोल रोड्स लगी हुई है कंट्रोल रोड्स के साथ में प्रेशर वेसल है जो प्रेशर कंट्रोल करता है यहां पे जब कोर के अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है मतलब फ्यूल के साथ में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो उसको कूल डाउन करने के लिए वोटर को पंप किया जाता है इनसाइड लगातार समझ में आ गया वाटर पंप हो रहा है यहां से और यहां से निकल जाएगा इधर से आया इधर से निकल जाएगा इधर से आया इधर से निकल जाएगा ठीक है और ये वाटर पंप कर दिया अब यहां से अब देखो इधर से आया इधर से निकल गया साथ में यहां से निकल के जाएगी हमारी एनर्जी और एनर्जी को कन्वर्ट करेगा टर्बाइन टर्बाइन से वो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी और यहां से बाहर निकल जाएगी ये पानी के लिए हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है यहां से मॉइस्ट बॉम एयर बाहर निकलेगी जो यहाँ से बन के आ रही है यहाँ से कूल cool वाटर की सप्लाई जा रही है देखो लेक या रिवर से पानी आएगा अंदर गया कंडेंस हुआ और ठंडा हुआ अब पंप से इनसाइड गया यह पूरी वर्किंग आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट की बेसिकली ऐसा ही होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये एनर्जी जो यहाँ से निकली थी स्टीम के हेल्प से कंडेंस हुई टर्बाइन के अंदर एनर्जी गई टर्बाइन को मूव किया और जनरेट कर दी इलेक्ट्रिसिटी आई होप समझ में आ रहा होगा याद रखना है बेटा ये इसके बाद में हमारे को पढ़ना है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन और ये तो डेंजरस है ये तो बहुत डेंजरस है ये तो इतना डेंजरस है कि हम इसकी बात ही नहीं करना चाहते है। हैं ठीक है फ्यूजन में एलिमेंट्स जुड़ते हैं फ्यूजन में एलिमेंट्स टूट रहे थे फ्यूजन में एलिमेंट्स जुड़ते हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्ली न्यूक्लाई हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं ठीक है सच प्रोसेस कैन टेक प्लेस एट रीजनेबल रेट्स ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर आपको चाहिए कि आपको न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना है तो आपको पहले बहुत हाई टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा डिग्रीज मतलब एक हज़ार डिग्री दो हज़ार डिग्री से काम नहीं चलेगा चार हजार डिग्री पार हजार डिग्री मिनिमम चाहिए इसके लिए ठीक है इसीलिए इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो अर्थ पे रेयर होते हैं अब तो खेर स्टार्ट हो चुके हैं बाकी इसका सबसे तो बेस्ट एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन का है सन तन की सरफेस पे हीलियम लगातार बनती रहती है इसीलिए वो इतना भयंकर इतना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी रखता है इसलिए हम लोग बोलते हैं चंदा मामा तो प्यारे हैं सूरज चाचा दूर रहे सब कुछ ऐसा बोलते हैं पता नहीं है क्या बोलते हैं इन रिएक्शन में जहाँ टेम्परेचर की हेल्प लगती है इनको बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है न्यूक्लियर रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट ऐसे है यहाँ पे क्योंकि हमको उसको सस्टेन करने का टेम्परेचर अर्थ पे अवेलेबल नहीं है मैंने शुरू में आपको कहा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है बट इस केस में है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अर्थ पे सस्टेन नहीं हो सकता मतलब इसको शुरू ही नहीं कर सकते हम लोग इसीलिए इनको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको हाई टेम्परेचर बढ़ाना है आप इस रिएक्शन को तभी कंट्रोल कर सकते हो जब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सन की सरफेस पे जहाँ पे टेम्परेचर चार हज़ार हज़ार डिग्री तो मिनिमम रहता है तो हाइड्रोजन के फ्यूजन से बनती है हीलियम वैसे टू एच ई थ्री बन के फिर वो हीलियम में कन्वर्ट होती है और उस प्रोसेस से भयंकर एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी कई गुना ज्यादा है किस से फ्यूजन से दैट इज नॉट सिंपल रिएक्शन अब याद रखना इन अदर वर्ड्स एनर्जी ऑफ सन इज डिराइव फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन ठीक है ये हमको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा होती है हाँ क्या हो कि हम इसको कंट्रोल कर लें

हम क्या करते बस पानी को इवेपोरेट करते रहते पानी को गर्म करते रहते ड्यूटीरियम चिपकता आपस में हीलियम बना लेता एनर्जी निकल जाती क्योंकि पानी के अंदर टेन पावर सेवनटीन पाउंड ड्यूटीरियम होता है होता है ठीक है एंड ईच पाउंड इज टू पच्चीस सौ टन ऑफ कोल जितना एनर्जी पच्चीस सौ टन टू फाइव डबल जीरो टन ऑफ कोल को बर्न करने से निकलती है उतनी एनर्जी सिर्फ एक पाउंड ऑफ ड्यूटीरियम के न्यूक्लियर फ्यूजन से निकल सकती थी ठीक है बेटा समझ उस बात को समझो ध्यान से कि हमारे पास में अगर कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल होता तो एक पाउंड ऑफ ड्यूटीरियम के फ्यूजन से 2500 टन 2500 टन ऑफ कोल के बराबर एनर्जी निकल सकती थी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा होता तो देश को भारत को मतलब इंडिया को या फिर वर्ल्ड की बात करें तो किसी को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं थी सब लोग पानी से निकाल लेते पानी क्या है एच टू मतलब हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तो तीन ऐसा होते हैं प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रिटीरियम तो डी जो है वो हैवी वाटर वाला जो आइसोटॉप है वो हमको देता है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का चांस बट हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए ठीक है हमने एक चीज देखी न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब देखा ठीक है एटॉमिक बॉम्ब किसका किस कॉन्सेप्ट पे चलता न्यूक्लियर फ्यूजन पे इसके बड़े भैया है हाइड्रोजन बॉम्ब जो फ्यूजन पे बेस्ड है यानी कि दो हाइड्रोजन न्यूक्लियर आपस में चिपकेंगे और वहां पे जो ब्लास्ट होगा उसको बोला जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट और इसकी एनर्जी कई गुना ज्यादा है एज मैंशनड अर्लियर द न्यूक्लियर रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर देर फॉर इट इज नेसेसरी टू हैव एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोवाइड द हाई टेम्परेचर फॉर दिस ठीक है फॉर दिस पर एटम बॉम्ब इज यूज एज प्राइमर बताओ आप सोचो कि मुझे हाइड्रोजन बॉम्ब को जनरेट करने के लिए उसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए वो तो मैंने पहले क्या बनाया एटॉमिक बॉम्ब बनाया मैंने पहले न्यूक्लियर फ्यूजन किया उससे एनर्जी निकली उस एनर्जी का बेस लेके मैंने क्या स्टार्ट किया फ्यूजन मतलब कम तबाही से ज्यादा तबाही और बोलो वाह वाह कितनी बड़ी बात है ठीक है तो हमने क्या किया प्राइमरी सोर्स किसको बनाया न्यूक्लियर फ्यूज फ्यूजन को उससे क्या मिली एनर्जी और उससे हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हाई टेम्परेचर इनिशिएशन फॉर आवर हाइड्रोजन बॉम्ब इसीलिए कहते हैं कि फ्यूजन का बॉम्ब फ्यूजन के बॉम्ब से ज्यादा होता है और रशिया ने जब इसका एक्सप्लोजन किया था तो उससे जो हाइड्रोजन बॉम्ब बना था उसकी पावर देखो कितनी लिखी हुई है आप सोचो गिनती भी आती है हम लोग को वहां तक की हम लोग को तो गिनती भी नहीं आती मतलब एक हाइड्रोजन बॉम्ब की पावर थी एक मिलियन टन टीएनटी के बराबर इतना पावरफुल था बेटा ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब की पावर थी एक मिलियन टीएनटी के बराबर ये इतना पावरफुल था याद रखना है चीज अब कोई आपसे पूछे ज्यादा पावरफुल कौन है रे राजू तो क्या बोलोगे हाइड्रोजन बॉम्ब वो पूछे क्यों रे राजू तो उसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन फ्यूजन

द प्रोसेस कैन टेक प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर हाँ ठीक है मान लिया इसके लिए कितना चाहिए देखो ठीक है यहां पे देखो द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज हाई 200 हंड्रेड मेगा ईवी यहां पर देखो द एनर्जी इज कंपेटिवली लो लेकिन भाई साहब इसके बाद जो डेवस्टेशन होगा वो होगा बहुत ज्यादा ठीक है इसकी एफिशिएंसी कम है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इसको कंट्रोल कर सकते हो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है इसको कंट्रोल कर सकते हो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ये है डिफरेंस बेसिक बेसिक इनके बीच में अब लास्ट टॉपिक आज का एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं या इनका हमारे थर,

ठीक है द सैंपल ऑफ यूरेनियम ओर्स आर फाउंड टू कंटेन लेड एज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ एंड बीटा डीके हमको पता है अल्टीमेटली यूरेनियम किसमें डीके होकर कन्वर्ट होता है लेड के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमने वो देखा नाउ इफ इट इज अज्यूम दैट द सैंपल कंटेंट नो लेड एट द मोमेंट ऑफ इट्स फॉर्मेशन हमने क्या बोला कि यूरेनियम का जो ओर है उसके अंदर ये था ही नहीं शुरू में कौन नहीं था लेड नहीं था वो तो टूटने तो के बाद स्टेबिलिटी के बाद बनता आया ना तो हमने क्या किया हम लोगों ने निकाल लिया हाउ मेनी लेड एलिमेंट्स एटम्स ऑफ लेड अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम लेफ्ट इसका नंबर निकल के आया e की पावर माइनस लेमडा टी माइनस वन और लेमडा क्या हो जाएगा डीके कॉन्स्टेंट ऑफ दिस तो उससे हम लोगों ने निकाल लिया एज ऑफ अर्थ या एज ऑफ द सैंपल जिसके अंदर यूरेनियम और मिला हमको ठीक है बेटा आगे चलेंगे इसको और देख सकते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसे भी निकल सकता है इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम अपॉन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरेनियम और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इसको निकाल सकते हैं यहां से कोई दिक्कत नहीं ठीक है कार्बन फोर्टीन क्यों यूज कर सकते हैं कार्बन फोर्टीन के लिए भी सेम तरीका यूज करते हैं इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग किसी भी फोसिल की एज कितनी है उसको यूज करते हैं कार्बन फोर्टीन को यूज करते हैं यहाँ पे फोसिल कितना पुराना है चेक करने के लिए इसके क्वेश्चन आ सकते हैं पर ईजी आएंगे टेंशन मत लेना लेड को यूज कर सकते हो लेड 208, जीरो टू थर्टी को यूज कर सकते हैं इन सबको यूज करके आप देख सकते हो कि कोई फॉसिल कितना पुराना था कोई अर्थ का जो आप अर्थ की लाइफ चेक कर सकते हो किसी जीवाश्म की लाइफ चेक कर सकते हो कितना पुराना था इसके अलावा इसको आप यूज कर सकते हो रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज कर सकते हो आप रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स के अंदर कुछ आइसोटॉप्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं ट्रेसिंग ऑफ मेनी डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि हम बात करें अब की बार यहां पे हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कैन बी ईजीली आइडेंटिफाई बाय ट्रेसिंग इट्स रेडियो एक्टिविटी द रेडियो एक्टिविटी कैन देयर फोर एक्ट एज टैग और लेबल दट अलाउज टू स्टडी इसमें पहला समझते हैं हम लोग कि सपोज करो हमने आ, किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है तो हमने क्या किया हमने उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक किया किसके अंदर द गाइगर म्यूलर काउंटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर के अंदर चेक किया और उस हिसाब से हम लोगों ने पता लगाया कि हाँ इस सब्सटेंस की कितनी अवेलेबिलिटी बची हुई है जैसे कि हम बात करें आर्सेनिक सेवेंटी की आर्सेनिक सेवेंटी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसको यूज करते हैं हम लोग ट्यूमर्स के लिए कैंसर के ट्यूमर्स निकालने के लिए ठीक है सोडियम ट्वेंटी को यूज कर सकते हैं हम लोग ब्लड क्लोट्स के लिए आयोडीन वन को यूज कर सकते हैं हम लोग थाईराइड के लिए ठीक है इन तीनों को यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स में इसका आ, यूज कर सकते हैं या इसकी हम लोग इंपोर्टेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं अब हमने देखा कि चलो ये आर्सेनिक 74 ट्रेसर था ये अवेलेबल है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे सिंपल सा इसका हाफ लाइफ देख लेंगे कि कितना बचा हुआ है कितना होना चाहिए था अभी कितना बचा हुआ है या फिर सोडियम की बात करें सोडियम 24 पहले कितना होना था अभी कितना बचा हुआ है इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन है कितना कैंसर फैला हुआ है कितना ब्लड क्लोट फैला हुआ है या कितना थाइराइड बढ़ा हुआ है इन सबको चेक इस तरीके से कर सकते हैं बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर में क्या यूजेस का हम लोग यूज कर सकते हैं फॉस्फोरस थर्टी टू को ठीक है ये हमको बताएगा कि किस प्लांट स्पेसिफिक प्लांट ने कितना फोस्फोरस ऑब्जॉर्ब किया है हमने मान लो वहां पे दस एलिमेंट दस एटम डाल दिए या एक अमाउंट डाल दिया अब जितना फॉस्फोरस बचेगा हम पढ़ लेंगे उसकी स्टडी कर लेंगे और उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स बनाएंगे उसके लिए समझ में आ गई ये चीज़ इन इंडस्ट्रीज रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर भी वाटर पाइप्स के लिए पाइपलाइंस के लिए कार्बन को यूज किया जाता है हमको ये देखना है कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कैटालिटिक सिंथेसिस होता है पोलिमराइजेशन होता है वहां पर किसी भी आ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करके हम देख सकते हैं कि उस रिएक्शन में कितना काम कितना चीज कंज्यूम हो रही है कितनी और चीज हमको वहां पर फीड करनी पड़ेगी आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी ठीक है ये कुछ बेसिक बेसिक यूज़ेस हैं सब याद करने की जरूरत नहीं है बेटा आगे लास्ट चीज जो हमको देखनी है इसके अंदर वो है कि क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है रेडियो एक्टिविटी क्या हमारे लिए अच्छी बात है नहीं इसके कुछ हजार्ड हैं जो हमको नुकसान करेंगे दो तरीके से पहला तो ये हमको वर्तमान में प्रेजेंट में नुकसान दे सकते हैं डैमेज दे सकते हैं दूसरा ये हमारी जीन्स को भी खराब कर सकते हैं मतलब जेनेटिक भी हो सकता है इसका इफेक्ट और सोमेटिक भी हो सकता है सोमेटिक मतलब हमारी सराउंडिंग में क्या इफेक्ट होगा और जेनेटिक मतलब हमारी आने वाली जीन्स पे या हमारे आने वाली जनरेशन पे इसका क्या असर पड़ेगा वो सब देखते हैं एक बार तो द इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द ओन लाइफ टाइम इज देयर मतलब सोमेटिक डैमेजेस के बारे में हम बात करें तो दीज अफेक्ट्स आर देयर फॉर द सराउंडिंग ऑफ ह्यूमंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन देखो कि जैसे हम नॉट टू लाइक मेंशन वंस अगेन बट इट इज देयर कि uh, जब हम बात करेंगे हिरोशिमा नागासाकी की जो एक्सीडेंट था या फिर जो uh, दुर्घटना थी उस टाइम पे जब वो बॉम्ब गिरा तो उसने उस पूरे सिविल सोसाइटी uh, को उस पूरे सराउंडिंग को इफेक्ट किया लोग मरे काफी लोग की डेथ हुई काफी लोग uh, हुए काफी लोग मतलब डिसेबल्ड हो गए तो वो इफेक्ट किसमें सोमेटिक में लेकिन आज तक भी उस एरिया के लोग में म्यूटेशन है बच्चे थोड़ा सा वीक पैदा हो रहे हैं बच्चों में कुछ डिसेबिलिटीज जनरेट हो चुकी है जबकि उन पर वो बॉम्ब सीधा अटैक नहीं किया था उनके जीन्स खराब हो गए जो लोग सर्वाइव कर गए उनके जीन्स पे असर पड़ा तो उसको बोला जाएगा जेनेटिक डैमेज ठीक है कुछ नए म्यूटेशन आ गए सपोज करो किसी जगह पे जब इस तरह से रेडियो एक्टिविटी हुई बच्चों का इम्यून सिस्टम बिगड़ने लग गया पेरेंट्स को हुआ एक्सपोजर टुवर्ड्स द रेडियो एक्टिव मटीरियल वो बच गए लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो उन उनपे उसका असर पड़ने लगा तो ये दोनों चीजें हमको याद रखनी है कि दोनों चीजें रेडियो एक्टिविटी से या रेडिएशन से इफेक्ट होती हैं सोमेटिक एंड जेनेटिक ये बात याद रखनी है बच्चों अब शुरू करते हैं वो चीज मैराथन क्वेश्चन चलेंगे यहां पे हम सारे क्वेश्चन करके देखते हैं आई ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं एन एस ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब हम करके देखेंगे अब थ्योरी एक साथ पढ़ने का मोटिव यह था कि एक फ्लो बन चुका है तो फ्लो को तोड़ना नहीं है बहुत इजी थ्योरी है दो चीज़ याद रखनी है रेट कॉन्स्टेंट एंड फिर न्यूक्लियर रिएक्शन याद रखनी है फ्यूजन फ्यूजन के बारे में बस इतना सा ओके बेटा तो स्टार्ट करेंगे अब ये शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे आप लोग साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप लोग साथ में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो बहुत बढ़िया है न्यूक्लियंस आर इतना चीजी पीजी क्वेश्चन आया भैया पहला ही अपने तो, तो क्या हो जाएगा प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स तभी तो न्यूक्लियंस बोलेंगे उनको राइट right? बोलो नहीं न्यूक्लियंस मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस तो वो कौन होता है पी प्लस एन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑप्शन नंबर बी चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा फिर अगला क्वेश्चन करते हैं ये रहा ऑन बोबार नाइट्रोजन फोर्टीन विद एल्फा पार्टिकल्स द न्यूक्लिय ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मड आफ्टर रिलीज ऑफ अ प्रोटॉन विल बी और देखो मुझे नहीं पता क्या बात चल रही है ये मैं तो सिर्फ ये जानता हूं चार्ज कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन यहां पे चार्ज कितना है सेवन प्लस टू नाइन यहाँ पे क्या होना चाहिए वन तो यहां चला गया यहां कितना होना चाहिए एट होना चाहिए यहां पे मास कितना है प्लस फोर मतलब कि फोर्टीन प्लस फोर मतलब कि एटीन यहां पे वन चला गया तो कितना होना चाहिए सेवनटीन तो बताओ किसके पास है ओ सेवनटीन एट ये रहा मेरा आंसर इतना ही ईजी है चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे मास कंजर्वेशन लगाएंगे देखो लिखा हुआ है ये ए प्लस बी गिव यू जेड प्लस वन मतलब कि सेवन प्लस टू इक्वल टू जेड प्लस वन तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से एट यहां पे फोर्टीन प्लस फोर इक्वल टू ए प्लस वन तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी यहां पे सेवनटीन आंसर आ गया अगला क्वेश्चन देखो अब इजी लगेंगे ना आपको क्वेश्चन देखो व्हाट इज द एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन वापस देख लो फोर्टीन प्लस वन इक्वल टू फिफ्टीन प्लस एक्स कर देते हैं यहां पे तो एक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई जीरो आ गई मतलब कि चार्ज तो कितना मास तो कितना हो जाएगा जीरो अब यहां देखो सेवन प्लस वन इक्वल टू एट प्लस वाई ये भी कितना अरे ई का है ये तो गामा है जी ई तो गामा है जी गामा बता रहे हैं हम आपको समझ गए इका है इ इक गामा है प्रोटोन का अटैक हुई गवा और ई गामा बन गवा समझ में आ गया जस्टिफाई करो यहां पे सेवन प्लस वन से यहां एट हो गया 14 प्लस वन से फिफ्टीन हो गया कहा बनेगा गामा बनेगा जी गामा चले आगे अगला देखो विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट करेक्ट आपको चार रिएक्शन दी हुई है पोज कीजिए और पता लगाइए इनमें से कौन सही है और कौन गलत है ठीक है पता करो आज सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आयो ना मैं आपके लिए तो आप मेरे साथ साथ आंसर कर सकते हो आप पोज करो आंसर दो पोज करो आंसर दो इन सबको चेक किया जाएगा सबसे पहले इसको चेक करते हैं अब सीधा सीधा देखो मेरे हिसाब से चेक करना है मैं जो बोल रहा हूं वैसे करना है पहले चार चेक कर लो थ्री प्लस वन फोर जीरो सही है सेवन प्लस वन सेवन प्लस वन ये सही है सेकंड चेक करो ट्वेंटी वन प्लस जीरो ट्वेंटी प्लस जीरो अरे भैया ये तो कांड हो गया फोर्टी फाइव प्लस वन फोर्टी फाइव प्लस वन या तो चार्ज कैंसिल आउट हो गया ना या ट्वेंटी वन चल रहा है यहाँ पे सिर्फ ये और ये तो मेरे ख्याल से ये गलत है आगे भी चेक कर लेते हैं थर्टी थ्री प्लस टू थर्टी फाइव प्लस ठीक है सेवनटी फाइव प्लस फोर सेवेंटी ये भी ठीक है एटी थ्री प्लस वन एटी फोर ये आ गया टू जीरो नाइन प्लस टू टू टेन प्लस ये सही है मतलब कौन सा गलत है ये वाला स्कैंडियम पे जब आप न्यूट्रॉन का बोमबार्डमेंट कराओगे तो कैल्शियम नहीं बन सकता गलत है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर बी चले बेटा जी आगे चलो अब आएगा मजा द इनिशियल मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज फोर्टी ग्राम ठीक है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट वुड बी लेफ्ट आफ्टर ट्वेंटी फोर ईयर इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज एट ईयर्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको करा कैसे जाएगा हुँ? करना कैसे इसको मेरे को इतना सा पता है कि आज दिनांक एक्स वाई जेड को इसका टोटल मास एन नोट कितना है चालीस ठीक है इसका हाफ लाइफ कितना है हाफ लाइफ कितना है इसका इसका हाफ लाइफ निकल के आया एट इयर्स. मतलब एन नोट से एन नोट बाय टू में कितना लगेगा आठ साल एन नोट बाय टू से एन नोट बाय फोर में कितना लगेगा आठ साल एन नोट बाई फोर से एन नोट बाय में कितना लगेगा बताओ कितना लगेगा बताओ 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 एट. एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट कितना एयर ट्वेंटी फोर ईयर बाद कितना बचेगा फोर्टी बाय एट मतलब कि पांच ग्राम क्या ऑप्शन में आंसर आ गया आ गया ऐसे करने हैं आपको जब आपको दिया जाए छोटा ड्यूरेशन जैसे कि एट ईयर्स तो हाफ लाइफ है और ट्वेंटी फोर दे रखा है तो ऐसे करना है इसको और अगर ऐसे नहीं हो रहा तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं मित्रों एन की वैल्यू निकाल लो एन की वैल्यू कितना आएगा टोटल टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ तो ट्वेंटी फोर अपॉन एट कितना आ गया थ्री कितना आ गया थ्री टोटल टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ से एन की वैल्यू आ गई और उसके बाद में फॉर्मूला लगाया जाएगा एन इक्वल्स टू एन नोट अपॉन टू की पावर स्मॉल एन ठीक है अब यहां पे इसको सोल्व किया जाए तो ये क्या बनेगा एन नोट कितना है फोर्टी अपॉन टू की पावर थ्री आएगा नहीं आएगा मतलब कितना आ गया फोर्टी अपॉन एट इक्वल्स टू फाइव ठीक है बेटा या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या आप उस तरीके से कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से आंसर इट राइट नाउ मैं जवाब नहीं दूंगा पोस्ट करो आंसर दो इफ टू ग्राम ऑफ एन आइसोटोप हैज हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ वन ग्राम सैंपल विल बी व्हाट बताओ सीधी सिद्ध, सी बात है दो का है सात तो एक का कितना हो जाएगा सात बटा दो थ्री पॉइंट फाइव सही है ना बेटा दो, दो ग्राम का जब सात दिन है तो एक ग्राम का कितना होगा बेटा थ्री पॉइंट फाइव तो होगा ना मैथ लगा रहे हम लोग तो नहीं होगा ये ये बात चल रही है हाफ लाइफ की। ध्यान से देखना। ये दो ग्राम था इसको सात दिन लगे एक ग्राम कन्वर्ट में टूटने में तो इस एक ग्राम को हाफ ग्राम में कितना टाइम लगेगा सेवन डेज फिर इस पॉइंट फाइव को

सपोज करो बेटा ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है ठीक है ये ऐसा दिया हुआ है आपको अब मुझे चेक करना है इसका हाफ लाइफ मतलब ये हर हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा ठीक है आप कैलकुलेट कर लो अभी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इंटू एट सिक्सटी फोर है यहां पे अब कैलकुलेट करते हैं कि हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा इसको रिसेट कर देता हूँ एक बार मैं मैंने दो बार दबा दिया गलती से स्टार्ट करें देखो डिके हो रहा है 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 और ये देखो अब इतना बचा है ठीक है आगे देखो डिके हो रहा है डिके हो रहा है डिके 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 एंड सी अब कितना बच रहा है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह बच रहा है अगली बार देखते हैं कितना बचेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब देखते कितना बचेगा अब कितना बचा अब कितना बचेगा अब कितना बचेगा अभी बचा ही रहेगा क्योंकि इसकी सिर्फ इतनी सी थी बट आपको समझ में आ गया ना कि इस तरह से हाफ लाइफ वर्क करती है बेटा तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? Seven days, आ जाएगा 7 डेज ऑप्शन नंबर बी चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स टाइम टेकन फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस टू रिड्यूस टू 0.25 ग्राम विल बी बताओ एक से 0.50 हुआ फिफ्टी से पॉइंट टू फाइव हुआ बताओ ट्वेंटी और ट्वेंटी मतलब की फोर्टी मिनट्स कितना आ गया आंसर फोर्टी मिनट्स ऑप्शन नंबर बी आप सारे क्वेश्चन से मेरा, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं बच्चों कर लें दो ना थोड़ी सी हाँ तो हाथ जोड़ के आपसे विनती ये है कि आप हर क्वेश्चन को देखते ही पॉज करेंगे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे चलो फिर आ गया अगला क्वेश्चन मेरे तो इजी है ना सारे के सारे हाफ लाइफ एक्टिव एलिमेंट इज हंड्रेड इयर्स। इट्स एवरेज लाइफ फॉर्मूला याद नहीं है क्या फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ। तो एक सौ 144। ऑप्शन नंबर सी मैं तो बहुत तेज हूं भैया इसमें बात तो ये कि क्वेश्चन इजी है इसके आराम से कर सकते हो आप आगे चले अब आपने बोला दीपक ने तो, दीपक सर्ण तो हवा में उड़ा दे इसको नहीं हवा में नहीं उड़ा रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है कर सकते हो आराम से इसको देखो एक बार द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ लेड टू टेन इज ट्वेंटी टू ईयर्स इफ टू ग्राम इज टेकन देन आफ्टर इलेवन ईयर्स कितना बचेगा दो ग्राम लिया है इलेवन ईयर्स के बाद में कितना बचेगा ये पूछा गया है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको आप ऐसे करो मेरे ख्याल से बेटा आप पहले इसमें एन की वैल्यू निकाल लो एन की वैल्यू कितनी है हाफ लाइफ मतलब टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ यही तो होती है मतलब कि क्या हो जाएगा वन बाई टू अब हमको क्या दिया हुआ है एन इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन टू की पावर एन यही तो फॉर्मूला है हमारा तो एन नॉट कितना है इसको ऐसे लिखेंगे एन इक्वल्स टू एन नोट कितना है टू अपॉन टू की पावर कितनी हो गई वन बाय टू टू की पावर वन बाय टू का मतलब क्या होता है अंडर रूट टू होता ही नहीं होता तो यहाँ पे कितना जाएगा एन इक्वल्स टू टू अपॉन अंडर रूट टू सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा टू रूट टू इंटू टू रूट टू अपॉन टू रूट टू 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 रूट टू 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 अंडर टू वन पॉइंट फोर वन फोर सर आप चाहो सारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला से कर सकते हो बस आपको सिंपल इसे ये क्वेश्चन था मैं तो इसे मजे ले रहा हूं आपके आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी उससे कर सकते हो यहाँ देखो कैसे करना है इसको देखो इसके लिए एन की वैल्यू निकालनी है अपने को एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अपने को पता नहीं है हम सिंपल सा इसको ऐसे कर देंगे कि एन इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन टू की पावर एन एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पॉइंट टू फाइव और यहाँ एन नोट कितना है वन अपॉन टू की पावर एन अब यहां से इसको उधर लेके जाओ टू की पावर एन कितना आ रहा है भैया टू की पावर एन कितना आ रहा है वन अपॉन पॉइंट टू फाइव मतलब कितना हो गया बेटा टू की पावर एन टू फोर आ गया टू की पावर एन कितना हो जाएगा टू स्क्वायर एन की वैल्यू कितनी आ गई टू मतलब कि हाफ लाइफ का डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये हाफ लाइफ कितनी ट्वेंटी मिनट्स तो इसको दो से गुना कर दो आ गया आंसर कर सकते हो आप सारे तरीकों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा द रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ टेन डेज इफ टूडे वन ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ इट्स लेफ्ट वॉट वॉज द वे फोर्टी डेज अर्लियर ठीक है भैया आप नहीं मान रहे हम भी नहीं मान रहे हम ऐसे करेंगे इसको तो ये वापस से कितना जाएगा आज कितना है 125 पच्चीस वन ट्वेंटी फाइव चालीस दिन पहले कितना था एन नोट ठीक है अब यहां पे इसकी हाफ लाइफ दे रखी है आज कितना है एक सौ पच्चीस एन नोट था अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ मतलब की फोर तो यहां पे कितना आ जाएगा टू की पावर फोर आ गया तो यहां पे एन नॉट कितना हो जाएगा इनिशियल चालीस दिन पहले कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव इंटू टू टू जा फोर टू कितना हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू सिक्सटीन इक्वल्स टू एन नॉट सिक्सटीन फाइव जा एक्सटीन जीरो सिक्सटीन एक्म सिक्सटीन ये टू थाउजेंड सोल्व कर लेना यही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी और चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है टाइम वेस्ट करना ही नहीं अपने को हमको एक फॉर्मूला है सीधा सीधा कि हाफ लाइफ दे रखी है टाइम दे रखा है एन की वैल्यू निकाल लो एन इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन टू की पावर एन उससे हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखो ये आपका है आपके क्वेश्चन हाँ है ये द हाफ लाइफ ऑफ दिस इज थ्री आवर्स टाइम दे रखा है एटीन आवर्स तो एन की वैल्यू कितनी देगी एटीन बाय थ्री मतलब टाइम कितना दे रखा है हाफ लाइफ कितनी है सिक्स आ गया यहां से एन नोट इनिशियल मास कितना है टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स अपॉन टू की पावर सिक्स इक्वल्स टू एन आ गया ठीक है तो टू फिफ्टी सिक्स अपॉन टू की पावर थ्री टू की पावर थ्री बोलो बेटे टू की पावर थ्री कितना होता है टू फिफ्टी सिक्स बायर फोर ऑप्शन नंबर ए आंसर ऐसे चुटकियों में सवाल करवाऊंगा मैं आपसे लाइन लगा दूंगा लाइने बता रहा हूं मैं इसको देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क में करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिर एक और इनके बड़े भैया आते हैं आइसो डायफर्स डाइपर नहीं आइसो डायफर्स बेटा जी ये भी बहुत जरूरी है ठीक है ये होमवर्क क्वेश्चन आपको निकालना है आइसोटोन आगे चलो एटम्स इन हाइड्रोजन गैस हैव हैीपोडेंस ऑफ मतलब सबसे ज्यादा अधिकता सबसे ज्यादा मैक्सिमम अबंडेंस किसकी है बताओ हाइड्रोजन गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है तीन आइसोटॉप होते हैं वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री प्रोटियम डूटीरियम ट्रिटियम बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा याद कर लो इस चीज को बाकी दो बराबर नहीं हो सकते सबसे ज्यादा यही होगा अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट एग्जाम, जिसके लिए हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम का नाम है स्टेज नंबर 2009 का क्वेश्चन है यहां द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज फोर्टीन आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दट डिस इन फिफ्टी सिक्स इज ठीक है अब जो टूट गया उसके बारे में बात हो रही है तो सबसे पहली बात तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी सिक्स बाय 4. विच इक्वल्स टू एन नॉट माइनस अपॉन टू की पावर फोर यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे? एन नॉट अपॉन सिक्सटीन पर क्या मेरा आंसर ये है क्या नहीं क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार आप यही गलती करोगे और यही आंसर आपका गलत हो जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिस इंटीग्रेट्स ये जो है ये रिमेनिंग है बेटा ठीक है ये जो रिमेनिंग है अब डिस इंटीग्रेट कितना हुआ एन नोट माइनस एन यह आपका आंसर है एन नोट माइनस एन आपका आंसर रहेगा सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा एन नोट माइनस वन बाय सिक्सटीन एन नोट इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है खैर ये तो मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं कि इसमें एन और एन नोट क्या होती है दोनों वहां पे अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल अमाउंट होते हैं आगे चलो एक और चुन्नू मुन्नू कुल्लू पुल्लू क्वेश्चन आया है मैं नहीं खेल रहा इसके साथ इसको तो आप ऐसे आंखें बंद करके कर सकते हो सर देखो यहाँ पे मास कितना है टोटल फोर यहाँ कितना है तो यहाँ पे मास में एक आएगा सबसे पहले तो, तो ये देखो वन एच टू प्लस एच टू से बना है मेरा एच थ्री। तो मास में, इसके मास में कितना जाएगा वन इसका एक एक दो ये हो जाएगा जीरो बताओ क्या आएगा जीरो एन वन रट आई लविंग इट समझ में आ गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है एक और क्वेश्चन के साथ में मिल रहे हैं हम लोग रेडियो एलिमेंट आर से ये आर क्या है बताओ थोरियम ठीक है बोलना मत किसी को कि मैंने बता दे कि थोरियम है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स वन एल्फा पार्टिकल एंड देन टू बीटा पार्ट अरे ये कुछ याद आया क्या क्या होता है दया इसके अंदर क्या होता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल और डू बीट दो बीटा पार्टिकल इमिट हुए तो क्या बनेगा बताओ क्वेश्चन देखो ही मत ये लास्ट लेक्चर का सवाल है बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ जानना है मुझे पूछता है भारत क्या बनेगा अंदर तो ज्यादा नहीं हो गया गाय अगर आपको मेरी एक्टिंग पसंद आई तो लाइक करें फॉलो करें पहली बात तो आपको मेरी एक्टिंग देखने के लिए यहां तक वीडियो देखना पड़ेगा बेटा दो घंटे का वीडियो है या तो आप इस साल देखोगे या अगले साल देखोगे या आपके छोटे भाई बहन देखेंगे या फिर वीडियो आपके बच्चे देखेंगे या बच्चों के बच्चे देखेंगे अगर वो एन एस सी में इंटरेस्टेड रहेंगे तो तो बताओ फिर इसका क्या होगा कि एक अल्फा और दो बीटा निकल गए जब भी ऐसा होता है ना भाई बहनों कि एक अल्फा और दो बीटा पार्टिकल डिके हो गए तो बनता है जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब आएगा ठीक है क्या बनेगा आइसो टॉप के अंदर क्या होगा बेटे मास चार से कम हो जाएगा बस यहां पे कितना है टू थर्टी टू अब जब आइसोटोप बन आपको मेरी बात तो भरोसा नहीं है ना यही बात आ गई ना बस यही तो मेरा दिल टूट गया आप लोगों के साथ में ये आर से नाइनटी टू थर्टी टू ठीक है इसमें से एक एल्फा पार्टिकल निकाल दो ये कितना हो जाएगा एटी एट और यहाँ पे एक्स बोल दिया इसको और यह कितना टू ट्वेंटी एट अब इसमें से दो बीटा पार्टिकल निकाल दो बीटा पार्टिकल से मास तो कम होता नहीं है और ये बढ़ जाता है तो अब ये दो बढ़ेगा तो कितना जाएगा 90 और यहाँ क्या रहेगा टू ट्वेंटी एट यही तो कह रहा था मैं कि ये क्या हो जाएगा आइसो टॉप सेम एटोमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर एटोमिक नंबर और ये आंसर <laughs> ये बॉय अगला क्वेश्चन करें क्या विच रेडिएशन इज द इजिएस्ट टू शील्ड अरे भैया जिसका पेनेट्रेशन पावर सबसे कम उसको इजीली शील्ड कर सकते हो और इतिहास गवाह है मित्रों अब थोड़ा सा मेरे को मूड आ रहा है मेरे अंदर का एक्टर जाग रहा है तो इतिहास गवाह है मित्रों की सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट है एल्फा का ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है अब ठीक हाफ लाइफ ऑफ प्रेडिव मटीरियल इज फाइव सेवेंटी सिक्स इन हाउ मेनी टू हंड्रेड मिलीग्राम रिमेन टू ट्वेंटी बताओ जवाब दो इसके आंसर का मैं इस आंसर में इसको करने में आपको एक मस्त तरीका सिखाने वाला हूं आपको बड़ा मजा आएगा उससे ठीक है मेरे को लग रहा है थोड़ा लंबा जाएगा ये क्योंकि पच्चीस दो सौ से फिर सो so आएगा सो so से फिर वो आएगा वो आएगा तो दो तरीकों से कर सकते हैं बेटा पहला तो मैं आपको ग्राफिकल से दिखा देता हूं स्टेप बाय स्टेप पहले क्या होगा 200 उससे क्या आएगा 100 उससे क्या आएगा 50 उससे क्या आएगा बोलो 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 उससे क्या आएगा क्या फाइव तो एक हाफ लाइफ दो हाफ लाइफ और तीन हाफ लाइफ लगी मतलब कि फाइव सेवन सिक्स जीरो इंटू थ्री मतलब कि जीरो अरे नहीं ऐसे मत कर देना भाई तुम लोग समझो कि सर को मैथ्स नहीं आती है मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे मैथ्स नहीं आती है पर आप प्रूव नहीं कर पाओगे <laughs> इजीली आगवा इजीली आगवा अगर ऐसे नहीं करना है तो सोचो इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा अगर ऐसे नहीं करना तो सोचो इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा बताओ बताओ इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा कि हम पहले क्या निकालेंगे इसके लिए लैम्डा लैम्डा कैसे निकालेंगे 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ उस लैम्डा को हम लोग ले जाएंगे किसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर 2.303 अपॉन टी इक्वल इनटू लॉग 200 अपॉन 25 आराम से आंसर आ जाएगा मतलब आराम से तो यहाँ आ रहा है बट उसमें भी आंसर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन भाइयों बहनों ये वापस से आपके लिए ही है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड की हाफ लाइफ है 8 आवर्स हाफ लाइफ का मतलब 50% न्यूक्लाइड डिसइंटीग्रेट हो गया तो मुझे बताओ कि फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लाइड व्हिच विल डिसइंटीग्रेट इन 32 आवर्स क्या ये आपसे n पूछ रहा है क्या नहीं ये रिमेनिंग नहीं पूछ रहा ये आपसे डिस पूछ रहा है तो वापस से ये क्वेश्चन आपको करना है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे चलो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दोगे तो आप यहां तक भी पहुंच जाओगे और यहां तक पहुंच जाओगे तो मेरी तरफ से इस चैप्टर का कंक्लूजन हो चुका है उम्मीद करता हूं आपने ढंग से चैप्टर को रिवाइज करना है आगे जाके इस चैप्टर को जब आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया तो ये आपके लिए ऐसे है चुटकी बजाते हो जाएगा इसमें से थ्योरी वाले पॉइंट्स याद रखना बेटा कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस फ्यूजन फ्यूजन रिएक्टिविटी कैसी होती है इनकी या फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है या फिर डिसइंटीग्रेशन का लो क्या होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो क्या होता है ये सब हमको याद रखनी चीज़ है एक बार प्रैक्टिस करनी है इसका तो बैकलॉग आ ही नहीं सकता एक बार बस एक बार बैठ के लेक्चर देख लो वन शॉर्ट लेक्चर है बैठ के देख लो मज़ा आ जाएगा मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में विद क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे उसके अंदर भी तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे बैकलॉग्स क्लियर करेंगे एग्जाम की तैयारी करेंगे प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस आज करवाए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में थे आप सबका आंसर्स कमेंट्स में दीजिए और इसको स्प्रेड कीजिए ताकि और लोग भी इससे समझ सके मैं मिलूंगा आपसे तब तक के लिए सभी को बबा ध्यान रखिए अपना प्यार बनाए रखिए ओलंपियाड वाला के लिए हमसे जुड़े रहिए हमसे बात करते रहिए लव यू और बच्चों बाय बाय